ल well, सो so, दोस्तों कल हमने कंपोजिशन स्कीम पे डिस्कशन स्टार्ट किया था आई होप आपको जितनी भी चीज़ें समझाई गई है उतनी सब चीज़ें समझ में आ गई होगी ठीक है तो ना हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ हमने डेफिनेशन देखा था एग्रीगेट टर्न और कुछ याद आया आपको एग्रीगेट टर्न और ठीक है ऑल टैक्सीबल सप्लाई एक्सेप्ट इनवर्ड सप्लाई अंडर आर एग्जाम सप्लाई में वोली एग्जाम नील रेट एंड नॉन टैक्सेबल ठीक है उसके बाद में वहाँ पे नेक्स्ट एक्सपोर्ट सप्लाई और लास्ट इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पैन ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे आपका कंसीडर किया जाएगा उसके ऊपर हमने डिस्कशन देखा टर्न ओवर इन स्टेट की डेफिनेशन देखी लगभग टर्न इन स्टेट की डेफिनेशन सेम है जो एग्रीगेट टर्न है सिर्फ वो स्टेट का ही टर्न देखा जाएगा ये दोनों डेफिनेशन हमने इसलिए देखी थी क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में इसका रेफरेंस है इसलिए हमने देखा था लेकिन ये डेफिनेशन है ये पूरे एक्ट को अप्लीकेबल होती है इसलिए आगे जहाँ जहाँ भी एग्रीगेट टर्न ओवर वर्ड आएगा या टर्न ओवर इन स्टेट वर्ड आएगा तो हमें ये रेफर करना पड़ेगा चलिए यहाँ जहाँ तक है इसकी बात हमने की उसके बाद मैं Uh, हमने एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन देखी फिर हमने कंपोजिशन लेवी पे डिस्कशन स्टार्ट किया जब हमने कंपोजिशन लेवी पे डिस्कशन स्टार्ट किया तो मैंने आपको ये समझाया था कि कंपोजिशन स्कीम जो है ये uh, जहाँ टैक्स आपको कंपोजिट रेट से ना पड़ता है कि भाई सब टर्न और मिलाकर एक कंपोजिट रेट से आपसे टैक्स डिमांड किया जाता है जैसे हमने देखा वन परसेंट फाइव परसेंट या फिर टेन टू ए की स्कीम में थ्री परसेंट सॉरी सिक्स परसेंट की स्कीम आपको मिलेगी नाउ कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बताइए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप आईटीसी ले नहीं सकते और आप किसी को बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते ठीक है टैक्स का बर्डन भी पास ऑन नहीं कर सकते पूरा टैक्स का बर्डन आपके ऊपर आता है इसलिए कंपोजिशन स्कीम जो है जनरली uh, रिटेलर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है वैसे लिखना मत एग्जाम में कि रिटेलर के हिसाब से पर रिटेलर को ध्यान में रखते हुए यह कंपोजिशन स्कीम बनाई गई है ठीक है हाँ लेकिन कंपोजिशन स्कीम उन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ओके okay, जिसके कस्टमर्स टैक्स इन्वाइस चाहते हैं और आईटीसी क्रेडिट चाहते हैं क्यों क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आप जो देते हो वो बिल ऑफ सप्लाई देते हो टैक्स इन्वाइस नहीं देते हो तो ऐसे केस में उन लोगों ने कम्पोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट क्या है आपको डिटेल में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है जी एस के उसके बाद में आपको लॉन्गर पीरियड मिल जाता है रिटर्न के लिए उसके बाद में जहां तक देखा जाए बेटा यहां पे आ, पेमेंट के लिए भी आ, आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है तो ये हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग टू कि भाई कंपोजिशन स्कीम कैसे है। अब सेक्शन टेन में दो कंपोजिशन स्कीम दी है एक जनरली सप्लायर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट कैटरिंग को सप्लायर ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग को और दूसरा टेन टू ए में जो आज के डिस्क्रिशन में देखेंगे प्रीडोमिनेंटली सप्लायर ऑफ सर्विसेज को दिया गया है ओके okay, उसमें गुड्स को भी मिलता है पर डोमिनेंटली वो स्कीम जो है सप्लायर ऑफ सर्विस को दिया गया है सेक्शन टेन की स्कीम में वैसे तो लिमिट वन पॉइंट फाइव सी आर है और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में सेवेंटी फाइव लैक्स है पर तीन स्टेट स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होने के बाद भी डेढ़ करोड़ की स्कीम फॉलो करेंगे बताओ कौन से तीन स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होने के बाद भी डेढ़ करोड़ की स्कीम फॉलो करेंगे वो तीन स्टेट है आसाम हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर जहाँ सेवनटी फाइव लैक्स नहीं जहाँ डेढ़ करोड़ का लिमिट दिया जाएगा ठीक है वहाँ डेढ़ करोड़ का लिमिट दिया जाएगा अब ऐसे नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है और नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है बेटा और वो ये है ओके नेक्स्ट यहाँ पे कि कंपोजिशन स्कीम जो है यहाँ आ, 150 फिफ्टी लैक्स 75 सेवेंटी फाइव का तो डी है ओके बाकी सब स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 75 फाइव लैक्स है तीन स्टेट में 1.5 पॉइंट है ओके तो अकॉर्डिंगली आपको उसके कैलकुलेशन देखना है चलिए फिर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था सेक्शन टेन पे सेक्शन टेन पे सेक्शन टेन कहता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो ये सेक्शन प्रिवेल करेगा लेकिन सब्जेक्ट टू नाइन थ्री नाइन फोर लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में आएगी आई रिपीट अगर आपकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में आएगी तो फिर आप जो है आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा आप अब कंपोजिशन स्कीम आपके आउटवर्ड सप्लाई को लगा सकते हो इनवर्ड सप्लाई को नहीं लगा सकते दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कंपोजिशन स्कीम में ध्यान से सुनिएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्पोजिशन स्कीम में यहाँ कि ये ऑप्शनल स्कीम है आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो अब रजिस्टर्ड पर्सन दो तरीके से हो सकते हैं आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया हो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया हो या आपने वॉल्ट्रिय रजिस्ट्रेशन ले लिया हो तो अगर आप आपके रजिस्टर्ड पर्सन हो थ्रे, तो ही ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगी सेकंड ये कंपोजिशन रजिस्टर पर्सन होने के बाद ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है मतलब आप चाहो तो नॉर्मल रेट ऑफ़ टैक्स 5 परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट या 28 परसेंट से टैक्स दे सकते हो जहां आईटीसी भी ले सकते हो कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का कम ऑन मैं क्या कह रहा हूं okay, तो नहीं करते हो तो करंट ईयर में कम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी और करंट ईयर में आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अगर आप मैनुफेक्चर हो गए तो वन परसेंट ऑफ टर्न इन स्टेट ऑन आप मैन्यूफेक्चर हो गए तो वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वन uh, परसेंट कैसे जीरो पॉइंट फाइव परसेंट एंड जीरो पॉइंट फाइव परसेंट उसके बाद में रेस्टोरेंट तो, uh, state, और कैटरिंग होगा तो यहाँ फाइव परसेंट ऑफ टर्न और इन स्टेट और अदर सप्लायर मेनली ट्रेडर क्योंकि सर्विस तो आप दे ही नहीं सकते सिर्फ कुछ लिमिट तक ही सर्विस दे सकते हैं आज उस पर डिस्कशन करेंगे कि कितने लिमिट तक आप सर्विस दे सकते हो तो अदर सप्लायर मतलब ट्रेडर अगर आप ट्रेडर हो गए तो वन परसेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट तो वो टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज है उसके वन परसेंट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा ठीक है डन तो आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पर हमने ये जो तो रेट देखे थे उसमें दो प्रोविजो थी सेकंड प्रोविजो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग को कुछ एडिशनल सर्विस कुछ लिमिट तक टेन परसेंट या फाइव लैक्स जो आज हम देखने वाले हैं उतना लिमिट अलाउ किया गया और एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन प्रोविज़र टू तो वो एक्सप्लेनेशन की भी हम बात करेंगे ठीक है वो एक्सप्लेनेशन की बात हम करेंगे नेक्स्ट बेटा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और नेक्स्ट कौन सी बात है चलो यहाँ करंट ईयर में आपको पूरे साल भर ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी सेक्शन टेन थ्री कहता है सुनिए ध्यान से कहता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर की कंडीशन फुलफिल की डेढ़ करोड़ की ओके प्रीवियस ईयर की कंडीशन आपने डेढ़ करोड़ की फुलफिल की तो करंट ईयर में आपको ये जो कंपोजिशन लेवी होगी ये आपको यहां पे ध्यान से सुनिएगा डेढ़ करोड़ तक एग्रीगेट कर टर्न ओवर के डेढ़ करोड़ तक ही मिलेगी यानी आपको डेढ़ करोड़ तक ये स्कीम मिलेगी और जैसे करंट ईयर में डेढ़ करोड़ क्रॉस हो गया उसके बाद आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा मतलब डेढ़ करोड़ तक आप वन परसेंट से टैक्स दे सकते हो लेकिन डेढ़ करोड़ के बाद आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा ये था कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड ना अब उसमें हमने एक स्पेशल डिस्कशन देखा था क्या स्पेशल डिस्कशन देखा था अगर आपको याद होगा तो ओके जस्ट मिनट मैं ये दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर अगर आप देखते हो तो पहले 150 लाख तक जो है आप कंपोजिट तो, रेट से टैक्स दोगे बाद में नॉर्मल टैक्स दोगे अब हमने ये देखा था ये एग्ज़ाम्पल में कि कंपोजिशन स्कीम आपको जब भी करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो आपको ये देखना है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको जिस फाइनेंशियल ईयर देखना है और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्न ओवर अगर 1.5 पॉइंट या 75 फाइव लैख से कम है तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है ठीक है तो यू ऑलवेज हैव टू सी फाइनेंशियल ईयर ओके जैसे एक एग्जाम्पल यहां पे देखा था करंट ईयर का टर्न ओवर रुपी वन था लेकिन उसके पहले का टर्न ओवर दो टू हंड्रेड था वन पॉइंट से ज्यादा था कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी ओके okay. नाउ उसके बाद में उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्योंकि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न डेढ़ करोड़ के नीचे था इसमें एक और डिस्कशन में देखा था कि फर्स्ट ईयर आप ऑलवेज कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहते हो क्यों क्योंकि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न जीरो होता है इसलिए फर्स्ट ईयर में आप ऑलवेज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम उसके बाद में हमने अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस होगी ये भी इस पर डिस्कशन किया तो आपको एग्रीगेट टर्न और प्रिसडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है और ये आपका 1.5 पॉइंट फाइव क्रॉस नहीं हुआ होगा तो आपको कंपोजिशन की मिल जाएगी और ओके जे एग्रीगेट टर्न ऑफ वन फिफ्टी लैक्स यानी पहले वन फिफ्टी लैक्स में सुनिएगा पहले वन फिफ्टी लैक्स में एग्रीगेट टर्न के पहले वन फिफ्टी लैक्स में आपको जो है यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात अब आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और आपको कंपोजिट रेट से टैक्स देना पड़ेगा लेकिन आपको स्टेट यहाँ पे आपको जो टैक्स देना है वो टर्न ओवर इन स्टेट वाइज देना है मतलब जो स्टेट का है वो स्टेट का टैक्स देना है पर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा ओके क्योंकि जैसे फर्स्ट वन फिफ्टी लैक्स खत्म हो जाएगा आपकी कंपोजिशन स्कीम विदड्रॉ हो जाएगी और और तब तक आपको इंडिविजुअल स्टेट में टैक्स देना पड़ेगा फिर हमने एक स्पेशल डिस्कशन किया क्या स्पेशल डिफरेंस डिस्कशन किया डिफरेंस बिटवीन टर्न इन स्टेट एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अटेट टर्न ओवर इन स्टेट में बेटा क्योंकि आपको जो टैक्स देना है वो वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट देना है उसमें आपको टैक्सेबल सप्लाई भी लेना है वोली एग्जाम लेना है नील रेट सप्लाई लेना है बाकी सप्लाई लेने की जरूरत नहीं क्यों क्योंकि अगर बाकी सप्लाई करते हो आप नॉन टैक्सेबल करते हो या इंटरस्टेट uh, सप्लाई करते हो तो कंपोजिशन स्कीम मिलती ही नहीं है इसलिए बाकी तो लेने के कंसिडर नहीं क्योंकि बाकी अगर करते हो तो उसी वक्त कंपोजिशन स्कीम विद्रा हो जाएगी तो आपको वन परसेंट ऑफ किसका

कम्पोजिशंस के मैनुफैक्चर और ट्रेडर के कैलकुलेशन यहाँ पे किए थे अगर आपको याद होगा ये रिवर्स चार्ज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है ओके okay, मतलब अपनी शादी ओके okay, यहाँ पे रजिस्टर मैरिज और साले की शादी धूमधाम से करनी पड़ेगी अच्छा साले की शादी धूमधाम से तो करनी पड़ेगी यानी रिवर्स चार्ज में पूरा टैक्स तो देना पड़ेगा और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा ओके okay, यही सुनने मिलेगा आपको कि तुमने किया क्या ओके okay, ये तो तुम्हारा धर्म था ओके okay, तो आपको उसकी वाहवाही भी सुनने नहीं मिलेगी तो ऐसे केस में ही हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में देखा उसके बाद में बेटा यहाँ पे ओके okay, यहाँ पे कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन टेन टू सेक्शन टेन टू जो है कंडीशंस फॉर कंपोजिशन स्कीम तो इसमें हम कुछ कंडीशंस देखने वाले हैं और वो कंडीशंस कहते क्या है कि अगर आप ये नीचे दिए गए सप्लाई करते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा

सप्लाई को आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा उसके बाद में देखो कौन कौन से सप्लाई पहला आप किसी भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते मतलब अगर आप टेन वन की स्कीम ले रहे हो मतलब कौन भाई मैन्युफैक्चरर ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग तो ये स्कीम ले रहा है और डेढ़ करोड़ के नीचे है तो आप तू कोई भी सर्विस नहीं दे सकता यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकता जो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई हो सकती है लेकिन Unless you otherwise, unless you otherwise का मतलब रेस्टोरेंट कैटरिंग को तो ऑलरेडी अलाउड है प्लस प्रोविजो टू जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो प्रोविजो टू में जो तू सर ज, जितने लिमिट तक सर्विस दिया है उतने लिमिट तक तू अलाउड है उससे एक रुपया भी ज्यादा दिया सुनना मेरी बात उससे एक रुपया भी ज्यादा दिया तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी या उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी ठीक है उसके बाद में तू इंटर नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता ऑल ओवर इंडिया जब भी तेरा एग्रीगेट टर्न देखा जाएगा तो एग्रीगेट टर्न में पूरे इंडिया में ना तो कोई सर्विस दे सकता है ना तो कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है अगर तू महाराष्ट्र में नहीं कर रहा होगा तो राजस्थान में यूपी में दिल्ली में कहीं पर कर रहा होगा ओके और सेम पैन के अंडर में कर रहा होगा तो तेरी कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ कर ली जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स तूने कोई भी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए ओके देखो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई को रिस्ट्रिक्शन है इनवर्ड सप्लाई को नहीं मतलब तू बाहर से परचेज कर सकता है तू आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता बात समझ में आई तू आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता पर परचेज तो कर ही सकता है तो वहां तेरे को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई हाँ अगर एक्सपोर्ट भी होगा तो वो भी नहीं मिलेगा दूसरा उन्होंने सिर्फ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई गुड्स को रिस्ट्रिक्शन डाला है मतलब जितनी भी परमिसेबल लिमिट है सर्विस की जो आज मैं पढ़ाऊंगा प्रोविजो टू वो आप सर्विस इंटरस्टेट कर सकते हो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो डाला है वो गुड्स पर डाला हुआ है उसके बाद में अगर तुम ई के थ्रू बेच रहे हो मतलब तुम यहाँ पे सप्लाई जो कर रहे हो या Amazon अमेजोन फ्लिपकार्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अब कोविड 19 के बाद तो यहाँ पे ई इतने बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इतने बढ़ जाएंगे देखना जियो वगैरह सब आने वाले हैं तो जो भी सप्लाई आप ई के थ्रू कर रहे हो मना ही नहीं है ईसीओ के थ्रू करो आप लेकिन वो टीसीएस के प्रोविजन में आ रहा होगा सुनो मेरी बात वो ईसीओ टीसीएस के प्रोविजन में आ रहा होगा तो फिर आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगी ओके okay, ये हमने देखा उसके बाद में बेटा यहां पे अगर नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर हो गए यहां पे नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर हो गए तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी पर ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है ये रिस्ट्रिक्शन मैन्युफैक्चरर है फिर वो आइसक्रीम या एडिबल आइस पान मसाला एरिएटेड वाटर या टोबैको टोबैको सब्सटीट्यूट्स बट ओके मैं फिर से याद दिला दो दिस रिस्ट्रिक्शन नॉट अप्लीकेबल टू रिस्ट्रिक्शन नॉट अप्लीकेबल टू बताओ किसको अप्लीकेबल नहीं है अप्लीकेबल टू तो. एक ट्रेडर ट्रेडर होगा तो उसको अप्लीकेबल नहीं है मतलब अगर वह आइसक्रीम इडिबल आइस पान मसाला टोबैको टोबैको सब्सिट्यूट सप्लाई कर रहा है तो उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी और दूसरा रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग तो उससे भी कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी ठीक है तो इनको नहीं ये रिस्ट्रिक्शन ओनली मैन्युफैक्चर को अप्लीकेबल है और एफ क्लॉज जो पहले भी था पहले रूल में था अब सेक्शन में डाल दिया वो ये कि ही इज नीदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी वो सी और एनआरटीपी के उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लेने चाहिए मतलब क्या मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ लो आप मध्य प्रदेश के हो ओके आप मध्य प्रदेश के हो कंपोजिशन स्कीम ले रहे थे और सडनली आप एग्जीबिशन के लिए बाहर जा रहे हो और सी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जैसे ही आप सी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लोगे आपको कंपोजिशन स्कीम उसी दिन छोड़नी पड़ेगी इवन दो आपका टर्न ओवर डेढ़ करोड़ के नीचे है पर आपको उसी दिन कंपोजिशन स्कीम छोड़नी पड़ेगी अब ये कंडीशन प्रीवियस ईयर में भी अप्लीकेबल है मतलब क्या अगर प्रीवियस ईयर में आपने सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी ओके okay, ये एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है तो जो आप सीटीपी में टर्न ओवर करते हो एनआरटीपी में टर्न ओवर करते हो वो टर्न ओवर को तो मिलेगी भी नहीं वो टर्न और को तो मिलेगी ही नहीं प्लस आप अगर कंपोजिशन स्कीम लेके बैठे हुए हो और बाद में सिटीपी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसी वक्त कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो ऐसे हमने कंडीशंस देखी ओके okay, यहां टेन टू की तो ये हमारा रिवीजन था यहां तक का डिस्कशन हमने किया था ओके okay, चलो अब आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे ओके okay, यहां पे चलिए देखिए प्रोविजो टू सेक्शन टेन टू टेन टू की यह प्रोविजो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजो है मैं आपका ध्यान ये प्रोविजो पे लाना चाहूँगा प्रोविजो टू तो सेक्शन टेन टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर आर हैविंग द सेम पैन वर्डिंग को देखना मोर देन वन रजिस्टर अंडर सेम पैन मतलब एक पैन के अंदर आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए हो सकता है सेम स्टेट में लिए हो या हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स में लिए हो

दोनों ब्रांच का मिला के उसका एग्रीगेट टर्न और जो है डेढ़ करोड़ के नीचे था लेकिन जो गुजरात में सूरत में जो उसका ब्रांच था वहां पे ध्यान सुनना गुजरात में सूरत में जो उसका ब्रांच था तो वहां पे जो है उसके जो कस्टमर्स थे वो सब आईटीसी वाले बंदे थे मतलब इसके बिल पर उनको आईटीसी चाहिए था यानी टैक्स इन्वाइस चाहिए था और महाराष्ट्र में जो एक रिटेल शॉप डाल रहा था कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर थे तो उसने एक सवाल पूछा क्या कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम लिया और गुजरात में नहीं लिया मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकता प्रोविजो टू टेन टू क्या कहता है ये प्रोविजो टू टेन टू ये कहता है ध्यान से सुनना प्रोविजो टू टेन टू ये कहता है यहां पे कि जब तक सभी ब्रांचेस यानी आपके अंडर सेम पैन में जब तक सभी ब्रांचेस कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते नहीं करते तब तक आप इंडिविजुअल ब्रांच को कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने ले सकते थोड़ा सिंपल वर्ड में समझाओ तो अगर आपको कंपोजिशन की लेवी अप्लाई करना है तो पूरे इंडिया में जितने भी ब्रांचेस होगी वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओके okay. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इस ब्रांच को लिया उस ब्रांच को नहीं लिया वो रजिस्टर प्लेस को लिया वो रजिस्टर प्लेस को लिया ऐसा नहीं कर सकते तो ये एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है और वो डायलॉग कौन सा अगर तू है तो पूरी कायनात है और तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब क्या मतलब बेटा यहाँ पे कि अगर कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सबके लिए लेना है सबके लिए लेना है पर अगर एक भी एलिजिबल नहीं हुआ सुनना एक भी एलिजिबल नहीं हुआ तो फिर किसी को नहीं मिलेगा मतलब समझ लो कोई तुम्हारी ब्रांच है वहां से आप नॉन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो वहां से आप ईसीओ सप्लाई कर रहे हो इसलिए वो एलिजिबल नहीं हुआ अगर वो एलिजिबल नहीं होता है तो फिर और कहीं पे भी आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी तो डॉलक बड़ा अच्छा है तू है तो पूरी कायनात है और तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है तो कंपोजिशन मिल स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी सुनना मिलेगी तो सबको मिलेगी नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी ओके okay, लेना पड़ेगा तो ये कंपोजिशन स्कीम सबके लिए लेना पड़ेगा तो मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया है ये एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये अब एक सवाल था जो लास्ट स्टूडेंट लास्ट बैच के स्टूडेंट ने मुझे पूछा था जो अभी मैंने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया ये पूरा चैप्टर मैंने रीडिजाइन किया है पूरा चैप्टर का स्ट्रक्चर ही बदल गया है ओके बाय फाइनेंस एक्ट 2019 ठीक है अब देखिए बेटा यहां पे एक स्टूडेंट ने मुझे क्या पूछा था उसने कहा था कि सर एक ब्रांच मेरी मणिपुर में है और क्वेश्चन रियली really बहुत अच्छा था एक ब्रांच मणिपुर में है और दूसरी महाराष्ट्र में अब मणिपुर में कंपोजिशन लेवी का टर्न ओवर है सेवेंटी फाइव लैक्स वहां लिमिट है सेवेंटी फाइव लैक्स महाराष्ट्र में लिमिट है वन फिफ्टी लैक्स अब मेरा टर्न ओवर महाराष्ट्र का प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का फिफ्टी सिक्सटी लैक्स है महाराष्ट्र का सिक्सटी लैक्स है और मणिपुर का थर्टी लैक्स है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का तो अगर मैं सिक्सटी प्लस थर्टी करूं तो कितना हो जाएगा नाइनटी नाइनटी टर्न हो जाएगा मेरा यहां तक बात समझ में आ गई अब प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न और नाइनटी हुआ दोनों का एड करके अगर मैं महाराष्ट्र ब्रांच के लिए देखू तो डेढ़ करोड़ के नीचे है मणिपुर ब्रांच के लिए देखो तो 75 फाइव के ऊपर है क्योंकि दोनों के लिए एग्रीगेट देखा जाएगा ठीक है तो महाराष्ट्र के लिए डेढ़ करोड़ के नीचे है मणिपुर के लिए 75 फाइव से ज्यादा है तो अब मणिपुर के लिए 75 फाइव से ज्यादा है तो वहां कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी और अब वहां नहीं मिली इसलिए महाराष्ट्र में भी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि इवन दो महाराष्ट्र का हिसाब से आपका एग्रीगेटर डेढ़ करोड़ के नीचे है पर यह सेक्शन टेन टू क्या कहता है सुनिए मेरी बात सेक्शन टेन टू क्या कहता है अगर कोई एक भी इन एलिजिबल हुआ अंडर सेम पैन कोई एक भी इन एलिजिबल हुआ अंडर सेम पैन तो फिर यह कंपोजिशन स्कीम किसी को नहीं मिलेगी आप समझ लो ये कंपोजिशन स्कीम किसी को नहीं मिलेगी तो मैंने लिया है यहां पे कि आप ये प्रिज्यूम करके चल रहा कि कोई भी आपकी एक ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगी जहां 75 फाइव लैक्स का लिमिट अपलीकेबल है तो इनडायरेक्टली सभी ब्रांच के लिए 75 फाइव लैक्स का ही लिमिट आपके लिए अपलीकेबल होगा ओके तो ऐसे केस में आपका एग्रीगेट टर्न जो है सेवनटी फाइव इनडायरेक्टली हो जाएगा उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते आप भी कुछ नहीं कर सकते तो अगर तू है तो पूरी कायनात है और तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ठीक है तो अगर कंपोजिशन स्कीम मिले, मिलेगी तो सबको मिलेगी नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी ओके okay, सब सबके लिए लेना पड़ेगा इसलिए इतने सारे कंडीशन है अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा देखो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो इंटरस्टेट सप्लाई भी अलाउड नहीं है मतलब स्टॉक ट्रांसफर भी अलाउड नहीं है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी स्टेट के बाहर ब्रांच नहीं होनी चाहिए आपकी स्टेट के बाद बाहर ब्रांच होगी कोई दिक्कत नहीं है पर सभी ब्रांचेस ने लोकल बिजनेस करना चाहिए इवन स्टॉक ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कर तो तो मतलब, okay, गुजरात में बिजनेस कर रही है लोकल एरिया में महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही है कहीं इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर नहीं है और इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर नहीं है इसलिए यहां ओके okay, सबका एग्रीगेटर कंसिडर होगा पर सब लोकल एरिया में बिजनेस कर रहे इसलिए कंपोजिशन स्कीम नहीं जाएगी पर सर ये इंटरस्टेट के लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला गया इंटरस्टेट का रिस्ट्रिक्शन बस इसलिए डाला गया बेटा क्योंकि इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगता है और आईजीएसटी का 50 परसेंट रेवेन्यू डेस्टिनेशन स्टेट को है तो ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम वहां अप्लाई करना मुश्किल है वहां आपको रिकॉर्ड मेंटेन ही करना पड़ेगा वहां रिकॉर्ड मेंटेन ही करना पड़ेगा तो ये था रिगार्डिंग टू बेटा अबाउट दिस प्रोविजो टू सेक्शन टेन टू डन चलो डिस्कशन को आ, आगे बढ़ाते हैं ठीक है अब मैं यहां पे लेने वाला हूं स्पेशल डिस्कशन ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और रेस्टोरेंट प्रोविजो टू ऑफ़ सेक्शन टेन वन रीड विथ टेन टू ए अब मैं आता हूं प्रोविजो टू अगर आपको याद होगा तो ये जो सेक्शन टेन वन है कुछ याद है आपको तो मैंने सेक्शन टेन वन में प्रोविजो टू पेंडिंग रखी थी और उसका एक्सप्लेनेशन पेंडिंग रखा था तो ये प्रोविजो टू और ये एक्सप्लेनेशन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोविजो टू क्या कहती है प्रोवाइडेड फर्दर दैट ये प्रोविजो टू प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु अप टू पे टैक्स अंडर ए बी सी अब मैं जब भी क्लॉज ए बी सी कहूँ मतलब मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट कैटरिंग एंड ट्रेडर ए बी सी मे सप्लाई सर्विसेस अदर दैन दो रेफर इन क्लॉज बी नॉट एक्सप्टिंग 10% परसेंट और एक्सप्लेनेशन तो चलो मैं आता हूं वापस से मैंने ये प्रोविजो यहां लिखी प्रोवाइडेड दैट पर्सन हु अप टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए क्लॉज बी और क्लॉज सी तीनों तीनों पर्सन को मे सप्लाई सर्विसेस अदर देन दैन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दो रेफर इन क्लॉज बी और पैरासिक्स ऑफ शेड्यूल टू ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10 परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट टर्न ओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंगल ईयर और रुपीज फाइव लैक्स विच एवर इज हायर विच एवर इज हायर आप मेरी बात को समझ रहे हो विच एवर इज हायर और यह तो प्रोविज होती टेन वन और टेन टू ए क्या कहता है टेन टू ए कहता है कि अगर टेन वन ने बचा लिया होगा ये ये बचाया है उन्होंने टेन वन ने बचा लिया होगा तो जितना यहां पे लिमिट अलाउ किया है सर्विस का जो है टेन परसेंट या फाइव लैक्स इससे ज्यादा बाकी कोई भी सर्विस उसने प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए इससे ज्यादा कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए थोड़ा इसको और डिस्कशन में लेते हैं कि भाई प्रोविजो टू क्यों लाया गया प्रोविजो 2 जो लाया गया था ये सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 से लाया गया था प्रोविजो 2 क्यों लाया गया था बताता हूँ पहले प्रोविजो 2 नहीं था ओके okay, पहले प्रोविजो 2 नहीं था तो फिर पहले 10 टू ए जो कंडीशंस थी ओके okay, समझने की कोशिश करना 10 टू ए जो कंडीशंस थी उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज सिर्फ इतनी लाइन लिखी थी इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ मतलब मतलब क्या मतलब ये था बेटा कि मैन्यूफेक्चर ट्रेडर और रेस्टोरेंट और कैटरिंग किसी भी टाइप की सर्विसेज सर्विसेज मे बी या टैक्सेबल किसी भी टाइप की services वो प्रोवाइड नहीं कर सकते ये प्रोविजो टू में था मेरी बात समझ रहे हो कि वो किसी भी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते यहां पे तो अब हुआ क्या ध्यान से सुनो हुआ क्या कि सभी रिटेलर परेशान हो गए कि भाई किसी भी टाइप की सर्विसेज हम ओके क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते अभी जमाना बदल गया है ओके हमको गुड्स के साथ साथ सर्विसेज देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर है ट्रेडर है या रेस्टोरेंट कैटरिंग है हाँ रेस्टोरेंट कैटरिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो पर रेस्टोरेंट और कैटरिंग के साथ कोई दूसरी सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते मतलब आपका रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा और आपने कोई स्पेस रेंट पे दिया होगा अच्छा स्पेस रेंट पे दिया अब रेस्टोरेंट के सामने किसी छोटा सा स्टॉल के लिए मैंने रेंट पे दे दिया तो आपने सर्विस दे दी आपको कंपोजिशन किमने रुपए की भी सर्विस नहीं दे सकते थे फिर वो टैक्स से बोले या हो, आप सर्विस ही नहीं दे सकते थे हाइट तो तब होगी मैंने वो लिया डिस्कशन एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कंसे याद रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है okay, हाँ तो तब होगी अब कर आपको याद होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट कुछ याद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट जो है वो सर्विस माना जाता है हमने सप्लाई चैप्टर में देखा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट ये सर्विस माना जाता है कुछ याद है आपको अरे और ये और तो ये जो इसे ध्यान से सुनना इसे जो बेटा सर्विस माना जाता है यहां पे ठीक है वो एग्जाम सर्विस है इंटरेस्ट फिलहाल एग्जाम सर्विस है पर है तो सर्विस तो अगर किसी ट्रेडर को बैंक के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है गई कंपोजिशन स्कीम गई कंपोजिशन स्कीम क्यों क्योंकि एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस ये अमेंडमेंट के पहले की प्रोविजन आपको बता रहा हूं एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस गई आपकी कंपोजिशन स्कीम ओके कोई ओके इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वो फैन बेच रहा है फैन के साथ उसने इंस्टॉलेशन करके दिया एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस गई कंपोजिशन स्कीम बड़ा स्ट्रिक्ट था तो ये कंडीशन के वजह से बहुत कम लोग सर्विस का सॉरी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले पा रहे थे क्योंकि सर्विस देना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था मैन्युफैक्चरर को रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर को ये जो है सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा कोई भी सर्विस वो नहीं दे सकते और रेस्टोरेंट कैटरिंग रेस्टोरेंट और कैटरिंग के अलावा बाकी कोई भी दूसरी सर्विस वो नहीं दे सकते तो ये अंडियो हार्डशिप थी ओके मैंने लिया है कि भाई आप अगर बैंक में पैसा डालोगे और बैंक में पैसा डालोगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलेगा वो भी तो सर्विस है या अदर सर्विसेस तो करें क्या ये तो मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए प्रोविजो टू इंट्रोड्यूस की गई ओके बहुत से रिटेलर अगेंस्ट में चले गए कि ये नहीं भईया हमें नहीं चाहिए ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन रे, क्या तुम्हारी कंपोजिशन के सिर्फ नाम के लिए आज कोई रिटेलर देखा आपने ऐसा कि जो सर्विस बिल्कुल भी नहीं देता है गुड्स के साथ कोई मैन्युफैक्चर देखा आपने ऐसा कि बिल्कुल ही कोई सर्विस नहीं होगी उसकी अरे बैंक में तो पैसा होगा उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा ओके बस इंटरेस्ट मिला सर्विस आ गई गए फिर बाद में फाइनेंस एक्ट टू से प्रोविज़ो इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट को यह बात समझी और प्रोविजो टू इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोविजो टू में क्या कहा गया प्रोविजो टू में कहा गया कि भाई मैन्युफैक्चरर सुनिएगा मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट कैटरिंग और मतलब क्लॉज ए क्लॉज बी और क्लॉज सी ये जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं मे सप्लाई द सर्विसेज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अदर देन रेफर इन क्लॉज बी ये थोड़ा बाद में पड़ा होगा ओके okay, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं पर कुछ लिमिट तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं

तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ या रेस्टोरेंट कैटरिंग के साथ क्या थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकता है हाँ थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकता है पर कितने लिमिट तक दे सकता है अब मैं इसको आगे परमिसिबल लिमिट कहूंगा परमिसिबल लिमिट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो कितने लिमिट तक दे सकता है तो उसके पिछले साल का जो स्टेट का टर्न होगा आई रिपीट पिछले साल का स्टेट का जो टर्न होगा उसका यहां पे टेन परसेंट या पांच लाख इज हायर इज हायर मतलब ये जो लिमिट मिली है स्टेट वाइज मिली है आगे हम पढ़ेंगे तो स्टेट का जो आपका टर्न होगा उसका टेन परसेंट तक या पांच लाख इज हायर इतने लिमिट तक आप सर्विस दे सकते हो अब मे सप्लाई ऑफ सर्विस अब ये मे सप्लाई ऑफ सर्विस में एग्जाम सॉरी टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों मिला के मतलब ये जो लिमिट मिल रही है ओके दस परसेंट या पांच लाख इसमें ये लिमिट दोनों मिला के रहेगी यानी करंट ईयर में आप टैक्सेबल या एग्जाम जो भी होगा दस परसेंट से ज्यादा मतलब प्रीवियस ईयर का जो टर्न और इन स्टेट था उसका दस परसेंट से ज्यादा या पांच लाख विच ओवर इज हायर उससे ज्यादा आप सर्विस नहीं दे सकते समझ में आया आप उससे ज़्यादा सर्विस नहीं दे सकते तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे कि ये प्रोविजो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एक एग्जाम्पल एक, एक, एक एनालिसिस अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका टर्न ओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फिनंशियल ईयर दस लाख था तो उसका दस परसेंट वन टेन परसेंट उसका एक लाख होता है पाँच लाख तो मैक्सिमम लिमिट पाँच लाख आपको मिलेगी करंट ईयर में आप इतने लिमिट तक सर्विस दे सकते हैं उसके बाद में बीस लाख था तो दो लाख पांच लाख पाँच लाख पिछले साल का टर्न ओवर आपका छः लाख था ओके पांच लाख तो बीच इज हायर तो यहाँ छह लाख होगा तो बेटा ये हुआ रिगार्डिंग टू आप <coughs> इतने लिमिट तक सर्विस दे सकते हैं अब मैं टेन टू ए लेता हूँ टेन टू ए क्या कहता है अनलेस सेव अदरवाइज सेव एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन वन तो सबसेक्शन वन ने आपको कितने लिमिट तक सर्विस अलाउ किया है सबसेक्शन वन ने आपको ओके यहाँ पे टेन परसेंट ऑफ टर्न ऑन स्टेट किया है हाँ, इतने लिमिट के बाद, जब भी आपकी दस परसेंट या पांच लाख हायर वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसी दिन कम्पोजिशन ड्रॉ हो जाएगी बेटा हाँ उसी दिन कंपोजिशन ड्रॉ हो जाएगी तो ये बात का आपको पूरा ख्याल रखना है कि बस जितना सेव किया है सुनो ध्यान से जितना सेव किया है उतने लिमिट तक ही कंपोजिशन की मिलेगी उसके बाद आप सर्विस नहीं दे सकते हो मैन्युफैक्चरर हो रेस्टोरेंट कैटरिंग हो या ट्रेडर हो तो एक सिंपल सवाल आपसे क्या आज मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ सर्विसेज दे सकता है ओके okay, अंडर टेन वन हम टेन टू ए की बात नहीं कर रहे अंडर टेन वन क्या वो दे 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 सकता 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 है कितने लिमिट तक दे सकता है है कितने तक तो वो सर्विस कर सकता है टेन परसेंट ऑफ टर्न स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट फिश लैक्स विच है तो ये था बेटा यहां पे कंपोजिशन स्कीम जो आप अलाव होगा ओके लिमिट जो है आपको स्टेट वाइज मिलेगी बेटा ओके द लिमिट इसको ऐसा करना द लिमिट अंडर प्रोविज टू इज गिवन स्टेट वाइज स्टेट वाइज लिमिट है मतलब क्या मतलब यहां पे आप स्टेट वाइज टर्न ओवर जो है यानी एग्रीगेट बेसिस पे नहीं मिलेगी एग्जाम्पल मैं यहां लेना चाहूंगा एग्रीगेट टर्न ओवर मिस्टर ए ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर नाइनटी लैक्स थर्टी लैक्स इन एम पी सिक्सटी लैक्स इन महाराष्ट्र If the ten percent of threshold was considered on the basis of aggregate, no, then it should be maximum no laki. ठीक है मैक्सिमम आपको कितना नौ लाख अगर आपको एग्रीगेट टर्न ओवर था तो नौ लाख क्या आता पर ये लिमिट जो है एग्रीगेट टर्न ओवर ने स्टेट वाइज दिया है यानी हर स्टेट के लिए आपको टेन परसेंट और फाइव लैक्स टेन परसेंट और फाइव लैक्स टेन परसेंट और फाइव लैक्स हर स्टेट के लिए इतना सर्विस का लिमिट मिलेगा हाउ एवर इफ़ टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज कंसिडर अगर आप टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरेटरी लेते हो देन इट शाल बी अलाउड टू तो प्रोवाइड सर्विसेज ओके एम में आपका तीस लाख था तो एमपी में तीस लाख था ध्यान सुनना एम तीस लाख था तो टेन परसेंट कितना होता थ्री लैक्स थ्री लैक्स और फाइव लैक्स इज हायर तो आपको एमपी में जो है पाँच लाख मिलेगा और आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में कितना मिलेगा छः लाख मिलेगा तो आपको ये लिमिट स्टेट वाइज मिलेगी टेन परसेंट या फाइव लैक्स और वो इंडिविजुअल स्टेट में आपको यूज़ करना पड़ेगा देर इन टोटेलिटी ही विल बी अलाउड टू प्रोवाइड द सर्विस अमाउंटिंग टू एलेवन लैक विच इज़ टू लैक्स मोर देन वॉट ही वुड हैव टू एग्रीगेट कंसिडर ड्यू टू मच ओके ड्यू केयर बी टेकन इन दिस रिगार्ड वाइल कैलकुलेटिंग द थ्रेशअल लिमिट बस मुझे ये डिस्कशन में यही लेना है कि बेटा ये जो लिमिट दिए है उन्होंने यहाँ पे लिमिट स्टेट वाइज दिया है जितने भी स्टेट में आपकी ब्रांचेस होगी तो उस स्टेट का जो प्रेसिडिंग फिनांशियल ईयर का टर्न ओवर होगा उतना दस परसेंट या पाँच लाख हर स्टेट में आपको ये लिमिट मिलेगी ठीक है बेटा तो हर स्टेट वाइज ये लिमिट आपको दी जाएगी ठीक है उसके बाद मीनिंग ऑफ अदर देन दोड्यूल टू इन प्रोविजो टू अगर आप प्रोविजो टू देखते हो बेटा तो प्रोविजो टू में ये लिखा है मे सप्लाई सर्विसेस मे सप्लाई सर्विसेस अदर देन दो रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैरा पैरासिक्स ऑफ शेड्यूल टू मतलब रेस्टोरेंट कैटरिंग इसको ऐसा मतलब मीनिंग मत लेना कि आप ये रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते ऐसा में नहीं मत लेना उसको इस तरह से देखा जाएगा कि ये जो टेन परसेंट या पांच लाख का लिमिट आपको मिल रहा है ये जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टेन परसेंट या पांच लाख का लिमिट जो मिल रहा है ये रेस्टोरेंट और कैटरिंग को छोड़ के मिल रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट और कैटरिंग ऑलरेडी क्लॉज बी में बी में करोड़ तक की लिमिट तक है तो ये जो है इन एडिशन टू रेस्टोरेंट कैटरिंग मिल रहा है ओके okay, मतलब उसका दूसरा मीनिंग ऐसा भी लिया जा सकता है कि एक मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट और कैटरिंग तो एलिजिबल ही है वो तो कितने लिमिट तक भी प्रोवाइड कर सकता है पर एडिशन टू दैट अगर कोई दूसरी सर्विसेस सुनिएगा अगर वो कोई अदर सर्विसेस देना चाहता है तो ये जो लिमिट है दस परसेंट या पांच लाख ये प्योरली अदर सर्विसेस के लिए है जो रेस्टोरेंट और कैटरिंग छोड़कर है इवन रेस्टोरेंट और कैटरिंग को भी क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो देखो ये जो मिले में सप्लाई सर्विस है ए में आने वाले बी में आने वाले और सी में आने वाले ये तीनों भी ये एडिशनल लिमिट का सर्विस दे सकते हैं मतलब खुद रेस्टोरेंट चलाने वाला कैटरिंग चलाने वाला जो है वो इन एडिशन टू रेस्टोरेंट और कैटरिंग अदर सर्विसेज जो है वो भी दस या पांच लाख विचोरी जाहिर दे सकता है ज़ाहिर दे सकता है तो ये जो एक्सेप्शनल क्लॉज है कमॉन प्रोविजो टू का ये जो एक्सेप्शनल क्लॉज है अदर देन ओके पैरा क्लॉज बी और पैरा सिक्स ओके तो ये एक्सेप्शनल क्लॉज को ऐसा मिसअंडरस्टेंड मत करना कि भाई ये कंपोजिशन की रेस्टोरेंट कैटरिंग को नहीं मिलेगी वो एक्सेप्शनल क्लॉज को आपको कैसे इंटरप्रिट करना है वो एक्सपेशन एक्सेप्शनल क्लॉज को आपको इस तरह से इंटरप्रिट करना है कि ये जो दस परसेंट या पाँच लाख ये रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़कर एक्स्ट्रा लिमिट है रेस्टोरेंट कैटरिंग छोड़ के एक्स्ट्रा लिमिट है ओके okay, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे द एक्सेप्शनल क्लॉज इन प्रोविजो टू मीन दैट सप्लायर ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट और कैटरिंग एक्सेट्रा ऑलरेडी हैव द लिमिट ऑफ वन पॉइंट फाइव सी आर भाई क्योंकि वो क्लॉज बी में आता है तो उसके पास तो ऑलरेडी रेस्टोरेंट कैटरिंग को वन पॉइंट फाइव सीआर लिमिट है सप्लाई ऑफ सर्विस ओके इन एडिशन टू दैट दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज टेन परसेंट ऑफ टर्न और फाइव लैक्स ये एग्जाम्पल से मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा ये एग्जाम्पल से और क्लियर होगा देखो यहाँ पे सप्लायर मैन्युफैक्चर है वो गुड्स सप्लाई कर रहा है तीस लाख का ठीक है रेस्टोरेंट कैटरिंग सप्लाई कर रहा है अलाउड है गुड्स के साथ रेस्टोरेंट कैटरिंग अलाउड है क्योंकि क्लॉज ए क्लॉज बी अलाउड है और अब उसको और सर्विस देना है तो ये जो और सर्विस देना है उसके लिए एक्स्ट्रा लिमिट है या उसको इस तरह से कहो कि ये जो एक्स्ट्रा लिमिट है टेन परसेंट या फाइव लैक्स ओके इसके लिए रेस्टोरेंट कैटरिंग कंसीडर नहीं होगा वो तो ऑलरेडी डेढ़ करोड़ में कंसीडर होगा ओके okay, उसको तो वो ऑलरेडी ओपन है वो ऑलरेडी ओपन है तो ये आठ लाख और बाकी अदर सर्विसेज देना है यहां लिख देना अदर सर्विसेस अदर सर्विसेज देना है तो यहां पर हमने प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर एज्यूम किया 40 लैक्स ये मैं पॉइंट बोल गया था प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर किया टर्न लैक्स तो वो टेन परसेंट ऑफ फोर्टी और 5 एवर इज हायर तो मैक्सिमम 5 लैक्स तक वो अदर सर्विसेज दे सकता है तो एग्रीगेट टर्न ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिलो वन पॉइंट फाइव सी आर यानी फोर्टी थ्री लैक्स ध्यान से सुनना यहां पे वो गुड्स का सप्लाई करे रेस्टोरेंट कैटरिंग का सप्लाई करे या अदर सर्विस का सप्लाई करे पर यह बात का ध्यान रखा जाए कि तीनों का मिला के डेढ़ करोड़ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपका एग्रीगेट करोड़ क्रॉस हो जाएगा करंट ईयर में उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विद्रॉ हो जाएगी आई रिपीट उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी तो दो पॉइंट आपको यहाँ की डिटेल में पढ़ना है ये जो लिमिट मिली है टेन परसेंट या फाइव लैक्स ये एक्स्ट्रा अदर सर्विसेज के लिए मिली है ये अदर सर्विसेज के मिली है मेरी बात समझ में आई रेस्टोरेंट कैटरिंग तो आप कितना भी प्रोवाइड कर सकते हो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ओके okay, इसलिए वो एक्सेप्शनल क्लॉज है लेकिन तीनों का मिला के आपका टर्न ओवर डेढ़ करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए मेरा फोर्टी थ्री लैक्स है और फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज टू लिमिट टर्न ओवर ऑफ रेस्टोरेंट कैटरिंग शाल नॉट बी कंसिडर ऑब्वियसली ये जो आप दस परसेंट या पाँच लाख कैलकुलेट कर रहे हो उसमें रेस्टोरेंट कैटरिंग का कंसिडर नहीं होगा ये एक्स्ट्रा लिमिट है ओके okay? और रेस्टोरेंट कैटरिंग तो डिफॉल्ट अलाउड है ट्रेडर होगा तो बेटा वैसा ये फोर्टी लैक्स ट्वेंटी लैक्स रेस्टोरेंट कैटरिंग का है और ये एक्स्ट्रा लिमिट मिलेगी आपको मैक्सिमम फाइव लैक्स की ओके और तीनों का मिला के आपका डेढ़ करोड़ के नीचे सिक्सटी फाइव लैक्स तो सर ऐसा कब हो सकता है कि एक ट्रेडर का रेस्टोरेंट भी है एक ट्रेडर का सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और एक ट्रेडर की अदर सर्विस हल्दीराम हल्दीराम गुड्स बेचता भी है तो हल्दीराम जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट भी चलाता है तो हल्दीराम जो है उसकी अदर सर्विसेज भी है हल्दीराम के अदर सर्विसेस से तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है वहां पे ठीक है उसके बाद में रेस्टोरेंट और कैटरिंग हाँ खुद वो रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो ओके उसका पांच लाख का रेस्टोरेंट चलाते वक्त पांच लाख का गुड्स भी है सिक्सटी लैक्स ,00 की सर्विस है और रेस्टोरेंट कैटरिंग को अपनी सर्विस का तो डेढ़ करोड़ तक मिलेगा ही गुड्स का भी कंसिडर होगा प्लस यहाँ पे वो अदर सर्विसेज भी

क्लॉज बी ऑफ पैरासिक्स ऑफ शेड्यूल टू उसको कैसे इंटरप्रिट करना है तो उसको आपको इस तरह से इंटरप्रिट करना है कि रेस्टोरेंट और कैटरिंग तो ऑलरेडी डेढ़ करोड़ की लिमिट में आ जाती है तो वो छोड़ के अदर सर्विसेज के लिए फिर वो एग्जमट हो या टैक्सेबल हो अदर सर्विस के लिए एक्स्ट्रा लिमिट मिली है यानी जब ये लिमिट लोगे तो उसमें रेस्टोरेंट और कैटरिंग आप कंसिडर नहीं करोगे आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहां पे हमने देखा रेस्टोरेंट और कैटरिंग का रिलेटेड डिस्कशन चलो यहाँ पे नेक्स्ट बेटा एक टाइटल मैंने लिया है द रेस्ट्रिक्ट लिमिट ऑफ प्रोविजो टू रेड विथ सेक्शन 10 टू ए ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्न ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू डिसाइड एलिजिबिलिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी इन करेंट फाइनेंशियल ईयर थोड़ा वर्डिंग्स को ध्यान से समझ लीजिएगा वो कहना क्या चाहते हैं नौ यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्टिव लिमिट है प्रोविज़ो टू की प्रोविज़ो टू की रिस्ट्रिक्टिव लिमिट जो है रेडिथ टन टू ए ये प्रसिडिंग फिनानशियल ईयर के कैलकुलेशन के लिए भी कंसिडर किया जाएगा प्रसिडिंग फिनंशियल ईयर के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा चलो आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूँ और इसे समझने की कोशिश करना एक क्लाइंट मेरे पास आया और वो जब क्लाइंट मेरे पास आए तो उसने कहा कि सर आ, पिछले साल में, में मेरा एग्रीगेट टर्न जो है 90 लैक्स था मैं मैन्युफैक्चरर हूँ अजीम करते मैन्युफैक्चरर ऑफ यहाँ पे एसी एयर कंडीशनिंग तो मैं सर मैन्युफैक्चरर हूँ और पिछले साल का मेरा टर्न जो एग्रीगेट टर्न जो था वो अराउंड यस 90 लैक्स था मैंने कहा अच्छी बात है तो क्या मुझे इस साल कम्पोजिशन स्कीम मिलेगी अब मेरे सामने दो स्कीम सेक्शन टेन की आती है एक टेन वन की आती है और टेन टू की आती है टेन टू ए की आती है अब ये मैन्यूफेक्चरर है ये मैन्यूफैक्चरर है, है तो मैं पहले टेन वन में चेक करूंगा तो मैंने टेन वन में कहा अरे अच्छी बात है आपका तो टर्न ओवर डेढ़ करोड़ के नीचे है अगर आपका टर्न ओवर डेढ़ करोड़ के नीचे है तो आपको तो कम्पोजिशन स्कीम मिलनी चाहिए तो वो बड़ा खुश हो गया मैंने कहा एक काम कीजिएगा आप मुझे डिटेल्स दोगे कि प्रसिडिंग फिनानशियल ईयर का आपका एग्रीगेट टर्न और कैसे निकाला गया तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है इसके आप आंसर दीजिए तो धीरे धीरे हम ये स्कीम की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने अपना क्वेश्चन ईयर निकाला और एज ए आर्टिकल आपने भी ये काम करना चाहिए जब भी वो कंपोजिशन स्कीम के लिए कोई आता है तो अपने क्वेश्चन फिक्स करना चाहिए पहले उसे पूछो कि आपकी कोई ब्रांचेस है महाराष्ट्र छोड़ के अदर स्टेट में या महाराष्ट्र में एक एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड ब्रांचेस उसने कहा अब इसके दो आंसर आ सकते हैं एक नहीं सर मेरी एक ही ब्रांच है एक छोटा सा रिटेलर हूँ यहाँ आप, आपकी बगल में मेरी शॉप है और मेरा टर्न और कुछ नाइन्टी लैक्स के आस है तो मतलब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ए भी बनाता हूँ और बेचता भी हूँ ट्रेडिंग भी करता हूँ तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है एक ही शॉप है एक ही फैक्ट्री है ना नेक्स्ट मैंने कहा दूसरा उसका ये आंसर आ सकता है कि हाँ सर मेरी एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो फिर मैं कहूँगा सभी ब्रांचेस का डेटा लेके आ जाओ मुझे देखना है सभी ब्रांचेस का डेटा क्या है चलो वो सब ब्रांचेस का डेटा लेके आया एग्रीगेट टर्न ओवर नाइन्टी लैक्स था ठीक है पर इस एग्रीगेट टर्न ओवर में उसने पिछले साल अब अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना उसने पिछले साल सेवेंटी फाइव का आई रिपीट पिछले साल 75 फाइव लैक्स का गुड्स सप्लाई किया और 15 लैक्स का उसने सर्विस दिया इंस्टॉलेशन इरेक्शन सर्विसेज दिया या कब सी भी लिया हुआ है उसने पिछले साल ए भी लिया हुआ है तो मैं थोड़ा सम ओके यहाँ सोचने लगा कि यार 75 फाइव लैक्स का टर्न और उसका गुड्स का है 15 लाख का उसका टर्न और सर्विसेज का है तो अब मेरे सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है मुझे टेन टू की कंडीशन सिर्फ करंट ईयर में नहीं लगानी है हमने हम देख चुके हैं टेन टू की कंडीशन दोनों साल लगती है प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फिनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन आपने टेन टू का सप्लाई किया उस दिन ही कंपोजिशन स्कीम विड्रा हो जाएगी और पिछले साल अगर मैंने उस टाइप का कोई सप्लाई किया होगा तो मुझे करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी तो अब मेरे सामने ये चैलेंज तो है ओके okay, मेरे सामने ये चैलेंज तो है तो आ, अगर मैं टेन टू ए पहली कंडीशन देखो तो सर्विस मैंने नहीं देना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस मैं क्लाइंट को पूछूंगा क्या पिछले साल तूने कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया है क्या उसने कहा नहीं कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया है क्या उसने कहा नहीं क्या कोई ईसीू सप्लाई किया है क्या उसने कहा नहीं नोटिफाइड गुड्स का तो मैन्युफैक्चर तो है नहीं कोई सी टी पी एन आर टी कोई एग्जीबिशन में गया है क्या उसने कहा नहीं हाँ सी टी पी एन आर टी पी का भी ओके okay, रिस्ट्रिक्शंस देखो पिछले साल भी लग जाएगा मतलब पिछले साल अगर तूने कोई सी टी पी एन आर टी पी के रजिस्ट्रेशन लिए होगे तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी हाँ वो दोनों कंडीशन दोनों साल चेक करना पड़ता है तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी तो ऐसे सिचुएशन में अब मैं थोड़ा टेन टू ए पे आता हूँ पिछले साल अनलेस से अदरवाइज मतलब जितना सेव किया था अब मैं स्पेशली पिछले साल के हिसाब से जो रहा हूँ जितना सेव किया था उससे ज़्यादा तूने सर्विस नहीं देना चाहिए क्योंकि टेन टू ए की कंडीशन प्रीवियस ईयर में भी अप्लीकेबल है तो जितना सर्विस अलाउ किया है एज पर प्रोविजो टू उतना ही तूने देना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए तो हम जो बात कर रहे हैं बेटा ओके ये प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं क्यों क्योंकि प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर के डेटा के बेस पे हमें करंट ईयर में कंपोजिशन लेवी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड करना है ओके okay, ये डिसाइड करना है तो यहाँ एक डायग्राम से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और मेरी एक क्लाइंट की केस सॉल्व करना चाहूँगा ओके okay, तो यहाँ डायग्राम यहाँ लिख दो रेफर नेक्स्ट पेज एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम ठीक है। अगर आप यहां तो देखो ये डायग्राम कैसी है ठीक <coughs> है ये प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर 1920, करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 और ये प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का अर्लियर ईयर अर्लियर टू प्रोसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 1819 अब बेटा 1819 में ध्यान से देखिएगा यहां पे 1819 में इसका टर्नओवर इन स्टेट था मैं टर्नओवर इन स्टेट ले रहा हूँ, अज्यूम करते हैं उसकी एक ही ब्रांच है ठीक है तो टर्नओवर इन स्टेट उसका 80 लाख था 80 लाख था तो बताओ ये 1819 में 80 लाख था मतलब ये ईयर में वो कितने लिमिट तक सर्विस दे सकता था 10% ऑफ 80 लाख और 10% ऑफ प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर अब प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर में यहां पे ध्यान से देखना प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर में यहां पे उसका सप्लाई ऑफ गुड्स था एसओजी जी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स पूरा ही लिख देता हूं भाई सप्लाई ऑफ गुड्स था यहां पे सेवेंटी फाइव लैक्स और सप्लाई ऑफ सर्विस था सप्लाई ऑफ सर्विसेस उसका अराउंड कितना फिफ्टीन लैक्स फिफ्टीन लैक्स अब सप्लाई ऑफ गुड्स यानी टोटल 90 लैक्स था एग्रीगेट टर्न ओवर उसका टर्न ओवर नाइन्टी लैक्स था अब देखो उसको एक्चुअल सर्विस उसने फिफ्टीन लैक्स की दी तो यहाँ पे कितनी लिमिट अवेलेबल थी परमिशिबल लिमिट परमिशिबल लिमिट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेस परमिशिबल लिमिट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेस उसको जो थी वो यहां पर टेन परसेंट ऑफ एटी लैक्स और फाइव लैक्स विच एवर इज हायर विच एवर इज हायर तो इक्वल्स टू एट लैक्स थी अब उसको परमिसिबल लिमिट ओके फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एट लैक्स इतनी मैक्सिमम थी फॉर फिनेंशियल ईयर 1920 फॉर फिनेंशियल ईयर 1920 यानी फिनेंशियल ईयर 1920 के लिए उसको परमिशिबल लिमिट जो थी एट लैक्स ही थी ये समझ में आया एक्चुअल सर्विसेज उसने पंद्रह लाख की दे दी तो हियर ओके okay, ये फिनेंशियल ईयर ईयर में उसने एक्चुअल सर्विसेज ज्यादा दे दी तो अब यहां पे ध्यान से देखना ये फिनेंशियल ईयर में एक्चुअल सर्विसेज मोर देन एट लैक्स एक्चुअल सर्विस रुपीज फिफ्टीन लैक्स विच इज मोर देन विच इज मोर देन एट लैक्स विच इज मोर देन एट लैक्स तो अब ठीक है पिछले साल जो हुआ होगा जो टैक्स कॉम्पिटिशन किया होगा आपने क्या किया होगा पिछले साल टैक्स कॉम्पिटिशन 1920 में कि जैसे ही वो एट लैक्स के ऊपर गया होगा आपकी कंपोजिशंस की विद्रा हो गई होगी समझ आप आपकी कंपोजिशंस की हो होगी होगी तो जो भी पिछले साल हुआ है उसके डिटेल में नहीं जाना है ब्रॉड सेंस में कंसेप्ट समझ लो उसके डिटेल में नहीं जाना है ठीक है अब मेरा ईयर है ट्वेंटी मेरा ईयर है 2021 मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर और अब मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड करना है कि क्या मुझे कंपोजिशन लेवी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपोजिशन लेवी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे क्यों क्यों क्योंकि क्यों उसने ओके पहली बात तो सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए मोर देन परमिसिबल लिमिट तो पिछले साल परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा आई रिपीट परमिशिबल लिमिट प्रोविजो टू की जो थी ओके प्रोविजो टू की परमिसिबल लिमिट हमने कैसा निकाला था पिछले साल की जो सप्लाई ऑफ सर्विस थी उसकी अगर परमिसिबल लिमिट निकालना है तो उसका प्रीवियस ईयर लेना पड़ेगा उसका प्रीवियस ईयर क्यों लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि पिछले साल का परमिसिबल लिमिट के लिए टेन परसेंट ऑफ प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा थोड़ा बात को समझो ओके okay, अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा तो एक दो बार अपने आप को समझाओ तो क्लिक हो जाएगा ओके okay, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे पर मेरा मूड हो रहा है आपको समझाने का कुछ बातें डिटेल में ले जाने का ठीक है तो पिछले साल का जो परमिसिबल लिमिट था पिछले साल की परमिशिबल लिमिट अगर आपको निकालना है तो उसका प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा उसके प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर का टर्न इन स्टेट जो था ओके वो 80 लैक्स था मतलब परमिसिबल लिमिट जो थी 8 लैक्स की थी उसने एक्चुअल 8 लैक्स से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया ओके पिछले साल जो हुआ हुआ वो हुआ होगा उसकी कंपोजिशन ले भी विड्रॉ हुई होगी वॉट इट में भी अब बात नाइनटीन की नहीं है बात ट्वेंटी की है अगर यह बार 2021 की है ध्यान से सुनना। अगर ये बार 2021 की है, तो 10 टू से लिए सेबल है अगर वो कंडीशन दोनों तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सर्विस दे दी इसलिए करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी ओके तो इंपॉर्टेंट नोट जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं क्या तो नोट ये आएगी कि इन करंट फाइनेंशियल ईयर current financial year 2021 composition scheme composition scheme is not available is not available why not available because because taxable person supplied services services in pfy more than permissible limit more than permissible more than permissible limit under proviso 2 मोर देन परमिसिबल लिमिट अंडर प्रोविज टू मतलब उसने परमिशिबल लिमिट से ज्यादा सर्विसेज दी है मोर देन परमिशिबल लिमिट अंडर प्रोविज टू पिछले साल इसलिए करंट ईयर में उसे कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी आई बात समझ में आपके ओके okay. अगर इसी एग्जाम्पल में चलो ये तो केस वन हुआ केस वन अगर यही मैं केस टू लेता हूँ तो आपका क्या कहना है अगर मैं यही केस टू लेता हूँ ठीक है तो प्रेसिडिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एटीन नाइनटीन और करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 ट्वेंटी वन यहां टर्न ओवर इन स्टेट एटी लैक्स हाँ अब थोड़ा क्या चेंज कर रहा हूं देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स का सप्लाई समझ लो पचहत्तर लाख का है और सप्लाई ऑफ सर्विसेस सप्लाई ऑफ सर्विसेस यहां पे फाइव लैक्स ही है ओके okay, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेस फाइव लैक्स है ओके okay, तो इट इज लेस देन एट लैक्स तो ये जो है फाइव लैक्स है मतलब लेस देन एट लैक्स है तो ऐसे सिचुएशन में उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी आई रिपीट ऐसे सिचुएशन में ओके इन करंट फिनेंशियल ईयर 2021 ट्वेंटी कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल ओके कंपोजिशन स्कीम उसे मिल जाएगा क्यों क्योंकि इट्स बिलो एट लैक्स ये जो है ओके इट्स बिलो एट लैक् इट्स बिलो लैक्स लैक्स से कम है अगर वो एट लैक्स ,00 से कम है तो उसे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड और नो ये हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख रहे हैं अब आपके दिमाग में करंट ईयर भी आ जाएगा तो करंट ईयर हम देखेंगे पहले तो ये बताओ प्रीवियस ईयर समझ गए यस और नो ओके तो ये कंडीशन आपको प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर में भी देखना पड़ेगा ओके okay. प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर में भी उसका परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए ठीक है चलो अब हम करंट ईयर के हिसाब से देखते हैं कंपोजिशन लेवी कैन बी विदड्रॉन इन करंट फिनेंशियल ईयर इफ सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेज द लिमिट एस मैं इन प्रोविजो टू अब इसका मैं एग्जाम्पल यहां पे ड्रॉ करता हूं देखो डिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 और करंट फिनेंशियल ईयर 2021 ठीक है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर उसका सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स 75 लाख था और सप्लाई ऑफ सर्विस अज्यूम करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस उसका फाइव लैक्स था तो यहां पे टोटल कितना हुआ एटी लैक्स और ये सप्लाई ऑफ सर्विस जो है अज्यूम विद इन परमिशिबल लिमिट अज्यूम इट इज विद इन परमिशिबल लिमिट परमिशिबल लिमिट ठीक है ऑफ प्रोविजो टू अब अगर ये परमिशिबल लिमिट ऑफ प्रोविजो टू मतलब ये पांच लाख रुपए वो परमिशिबल लिमिट में है प्रोविजो टू के तो अब क्या होगा बेटा अब यहां पे ओके यहां फर्स्ट अप्रैल को इन करंट फाइनेंशियल ईयर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी क्यों क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्न और जो 80 लाख से 1.5 सीआर से कम है और अज्यूम करना ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में नहीं है जहां 75 फाइव लैक्स की लिमिट अपलीकेबल है तो करंट ईयर में उसको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी अब करंट ईयर में समझ लो अप्रैल मे जून जुलाई तो ये हुआ अप्रैल मे जून और जुलाई तो मुझे ये बताओ करंट ईयर में उसको परमिशेबल लिमिट सर्विस का कितना होगा सर्विस कितने लिमिट तक दे सकता है तो करंट ईयर में वो 10 परसेंट ऑफ 80 लैक्स अब 10 परसेंट ऑफ 80 लैक्स मतलब कितना 8 लैक्स 8 लैक्स तक करंट ईयर में वो सर्विसेज दे सकता है कमा कमा 8 लैक्स तक वो करंट ईयर में सर्विसेज दे सकता है तो अब देखो बेटा ओके okay. यहाँ ध्यान से सुनना अप्रैल में उसका टर्न सप्लाई ऑफ गुड्स मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ एस सप्लाई ऑफ गुड्स उसका बीस लाख था और सप्लाई ऑफ सर्विसेस उसका फाइव लैक्स था टोटल ट्वेंटी फाइव लैक्स वो अभी भी विद इन लिमिट है ओके टोटल ट्वेंटी फाइव लैक्स इन लिमिट है मे में मे में उसका सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे थर्टी लैक्स था और सप्लाई ऑफ सर्विसेस उसका यहाँ पे टू लैक्स था मतलब वो अभी भी लिमिट में है ओके okay, अभी भी लिमिट में मतलब टोटल कितना हुआ यहां ओके थर्टी टू लैक्स जुलाई में करते टेंथ ऑफ जुलाई को कोई सप्लाई ऑफ गुड्स था उसका ट्वेंटी लैक्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेस इंपॉर्टेंट वन लैख तो जैसे सप्लाई ऑफ सर्विसेस वन लैख हुआ यहां पे लिमिट जो है बेटा ये सर्विस की जो लिमिट है फाइव प्लस टू प्लस वन ये जो सर्विस की लिमिट है ओके दो परमिशिबल लिमिट परमिशिबल लिमिट ऑफ सर्विसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस एस ओ एस इज एग्जॉस्टेड इज एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड अंडर प्रोविजो टू अंडर प्रोविजो टू दैट इज टेन परसेंट ऑफ एटी लैक्स इक्वल टू एट लैक्स और रुपीज फाइव लैक्स विचेवर इज हायर इक्वल्स टू एट लैक्स ओके विचेवर इज हायर इक्वल्स टू क्या बेटा एट लैक्स तो एट लैक्स की लिमिट है दस जुलाई सॉरी दस जुलाई नहीं दस जून को बाय मिस्टेक जुलाई आया दस जून को उसकी लिमिट जो है एग्जॉस्ट हो गई अब अगर आप देखते हो तो एग्रीगेट टर्न जो है बेटा ये एग्रीगेट टर्न ओवर ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी वन मतलब यहां पे फोर्टी सेवन प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी एट फ्टी एट सिक्सटी एट तो इवन दो अब इंपॉर्टेंट एक कमेंट लिखा लिख के दूंगा इवन दो इवन दो एग्रीगेट टर्न ओवर टर्न ओवर 10th june is 68 lakhs which is which is less than 1.5 cr which is less than 1.5 cr but कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन लेवी शेल बी विदड्रॉ ऑन शेल बी विदड्रॉन विद्रॉ हो जाएगी कंपोजिशन लेवी शैल बी विदड्रॉ ऑन एंड एनी टर्न ओवर after 68 lakhs liable to, to tax any turn or after 68 lakhs liable to tax be careful liable to tax at normal rate at normal rate of okay the normal rate say peoga अब ध्यान से देखिएगा बेटा अगर आपको ड्रॉ करना है तो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ फुल स्क्रीन करता हूँ लिख लो वैसे आपको मार्क नोट्स में तो यहाँ पे मैंने दिया है लेकिन आप ड्रॉ कर लो चलिए तो ये हमने देखा एक बार ये कंसेप्ट को फिर से अच्छे से समझ लो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्न ओवर वन पॉइंट के नीचे था इसलिए मैंने करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले ली ठीक है नेक्स्ट करंट ईयर में मुझे एग्रीगेट टर्न ओवर डेढ़ करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम है और मैं डेढ़ करोड़ तक टैक्स दे सकता हूँ कंपोजिशन स्कीम में लेकिन ध्यान से सुनना डेढ़ करोड़ तक मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दे सकता हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे जो है सर्विस जो है मुझे आठ लाख तक ही मिलेगी अगर आठ लाख के बाद मैंने सर्विसेज दिया सुनिए मेरी बात आठ लाख के बाद अगर मैंने सर्विसेज दिया तो वो सिचुएशन में मेरी कंपोजिशन स्कीम उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी तो टेंथ जून को मेरी कंपोजिशन स्कीम इमीडिएटली विड्रा हो जाएगी ओके इवन दो मेरा एग्रीगेट टर्न और डेढ़ करोड़ के नीचे है क्योंकि करंट ईयर में टेन टू की कंडीशन आपको कैसी लगाना है करंट ईयर में टेन टू की कंडीशन आपको कि अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सर्विस दी, दी तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विद्रॉ हो जाएगी आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे पूरा जीएसटी आएगा और उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विदड्रॉ हो जाएगी आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया तो उस पर नॉर्मल टैक्स आएगा और उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विद्रॉ हो जाएगी ईसीओ सप्लाई किया सी टी पी एन सप्लाई किया तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम आपकी विदड्रॉ कर ली जाएगी आई होप यू अंडरस्टूड तो ये उसके पीछे लॉजिक था चलिए तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा नहीं भी आया होगा तो एक बार फिर से आप सोचिएगा डेफिनेटली आपके समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ एक और कंसेप्ट जो मैं लेना चाहूंगा वो है फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिट अंडर प्रोविज टू टेन परसेंट और फाइव लैक्स टर्न ओवर ऑफ एग्जम सप्लाई ऑफ सर्विस ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड हाँ तो आप जब एट लैक्स की लिमिट ले रहे हो तो ये एट लैक्स लिमिट में आपने जो एग्जम सप्लाई किया सुनिए ध्यान से आपने जो एग्जाम सप्लाई किया वो भी कंसीडर किया जाएगा ओके okay, तो यहां पे देखिएगा जस्ट मिनट देखिए एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर एटीन और आपका करंट एटीन नाइनटीन नहीं प्रशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी और आपका करंट फिनेंशियल ईयर ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है आपका टर्न तो ओवर इन स्टेट टर्न ओवर इन स्टेट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का था एटी लैक्स तो एटी लैक्स टर्न ओवर इन स्टेट की वजह से आपको परमिशिबल लिमिट परमिशिबल लिमिट फॉर करंट फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन प्रोविजो टू प्रोविजो टू में करंट फिनेंशियल में कितना मिलेगा तो वह आपको मिलेगा टेन परसेंट ऑफ एटी लैक्स इक्वल्स टू एट लैक्स और फाइव लैक्स विचेबरिजायर मतलब एट लैक्स आपको करंट ईयर में एट लैक्स तक की लिमिट मिलेगी पर ये जो एट लैक्स तक की लिमिट मिली ये फॉर एनी सर्विस मतलब वो एग्जाम हो या दोनों का मिला के आप करंट ईयर में एट लैक्स तक का सर्विस दे सकते हो दोनों का मिला के मतलब इन करंट फिनेंशियल ईयर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो ये अज्यूम करते हैं करंट फिनास सिक्सटी लैक्स उसके बाद में आपका सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस होगा सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस समझ लो पांच लाख है और सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विस एग्जाम सर्विस आपका जो है यहां पे दो लाख है तो नाउ ये जो है ये दोनों का मिला के ओके आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा तो नाउ टैक्सेबल प्लस एग्जाम एग्जाम सर्विस तो टैक्सेबल प्लस एग्जाम सर्विस ये जो है आपका सेवन लैक्स है विच इज विच इज लेस देन लेस देन क्या बेटा एट लैक्स विच इज लेस देन एट लैक्स हेंस कंपोजिशन Composition Levy will be continued, will be continued. आपके Composition Levy continue रखी जाएगी। Okay, तो एक बार फिर से आपको जो limit मिली है, ये limit जो है combine सभी services के लिए मिली है, except restaurant catering। हाँ, restaurant catering तो already आप normal scheme में जा सकते हो 1.5 करोड़ के। restaurant catering छोड़के आप कोई भी service इस लिमिट से ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते कभी कभी ऐसा लगता है अरे यार इतने रिस्ट्रिक्शन में कंपोजिशन भी दी क्यों इन्होंने लगता है ना ऐसा लेकिन वॉट में भी इससे ज्यादा जो है आप नहीं जा सकते मतलब क्या मतलब ये जो है यहां पे एट लैक्स का लिमिट दिया हुआ है तो अगर ये एट लैक्स का लिमिट है तो ये टैक्सेबल और एग्जाम दोनों का मिला के मिलेगा दोनों का मिला के मिलेगा ठीक है चलो ये लिख लो फटाफट प्रॉब्लम चलो ठीक है तो ये हमने देखा टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई ओके डोंट वरी मैं एक ऐसा प्रॉब्लम लूंगा जिसमें सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मैं तो अभी एक छोटे 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 करके मैं पढ़ा रहा हूँ पर जिसमें सभी कंसेप्ट आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे ठीक है चलिए तो ये कंसेप्ट हमने देखा नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ओके okay, ये एक्सप्लेनेशन स्पेशल डिस्कशन ऑन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन टेन वन वापस आपको टेन वन पे लाऊंगा अगर आपको टेन वन याद होगा ये जो टेन वन याद होगा तो हमने टेन वन की प्रोविजन देखी रेट देखे उसके बाद में हमने प्रोविजो टू देखा अब एक, एक एक्सप्लेनेशन था नीचे क्या एक्सप्लेनेशन था देखो फॉर द परपज ऑफ सेकेंड प्रोविजो जब आप सेकेंड प्रोविजो के कैलकुलेशन कर रहे हो द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस, इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी आई कुछ बात समझ में येस सर नो एक बार फिर से ये प्रोविजो पढ़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंड प्रोविजो वैल्यू ऑफ एक्जम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट शल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी नौ प्रोविजो में ध्यान से सुनना प्रोविजो में यहां पर यह जो टर्न ओवर इन स्टेट दिया गया है अब यह प्रोविजो टू में पढ़ता हूं प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन अप टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए बी और सी में सप्लाई सर्विसेस टिटरी इन प्रसिडिंग कहना चाहते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्रोविजो टू में जब आप टर्न ओवर इन स्टेट लेते हो स्पेशली फॉर प्रोविजो प्रोविजो टू में टर्न ओवर इन स्टेट हम किस लिएते हैं प्रोविजो टू में हम

पिछले साल अगर कोई इनकम का इंटरेस्ट होगा इनकम ऑन लोन सॉरी इंटरेस्ट का इनकम होगा uh, जो इंटरेस्ट का इनकम होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स या डिस्काउंटिंग ऑफ लोन एडवांसेस और डिपॉजिट डिस्काउंटिंग मतलब चेक डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्शन डिस्काउंटिंग तो वो जो इंटरेस्ट मिला है या डिस्काउंट अमाउंट मिली है ओके okay, वो डिस्काउंटिंग अमाउंट आपके टर्न ओवर इन स्टेट में कंसिडर नहीं किया जाएगा कमॉट टर्न ओवर इन स्टेट में कंसिडर नहीं किया जाएगा ओके okay, एक बार फिर से थोरटिकली समझ लो एक बार फिर से फिर मैं एक एग्जाम्पल समझा समझाता हूं जब आप प्रोविजो टू का टर्न ओवर इन स्टेट ले रहे हो प्रोविजो टू का टर्न ओवर इन स्टेट जो है हम क्यों ले रहे हैं क्यों क्योंकि हमें टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट ऑफ प्रोसिडिंग फाइनेंशियल ईयर ये डिसाइड करना है तो परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेते वक्त आप टर्न ओवर इन स्टेट में इंटरेस्ट इनकम या चेक डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्शन डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स ओके यानी आपने किसी को लोन दिया होगा बैंक में डिपॉजिट रखे होंगे या एडवांसेस रखे होंगे तो वो जो है उसका इंटरेस्ट जो आपको मिला कम ऑन उसका इंटरेस्ट जो आपको मिला कि okay, वो इंटरेस्ट आपके टर्न ओवर इन स्टेट में नहीं लिया जाएगा टर्न ओवर इन स्टेट में नहीं लिया जाएगा आप मेरी बात समझ रहे हो ये सर नो तो देखो यहां पे पर थोड़ा मैं वापस हमारे डिस्कशन पे आता हूं तो फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो ये एक्सप्लेनेशन स्पेशली सेकंड प्रोविजो के लिए वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपोजिट अब यह एग्जाम सप्लाई क्यों बोला गया ये एग्जाम सप्लाई इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांस और डिपॉजिट जो है ओके वो एग्जम्ड है तो उसका मीनिंग ऐसा आता है ध्यान से सुनना मेरा एक एक स्टेटमेंट पिछले साल आपके टर्न ओवर इन स्टेट में जो भी टैक्सेबल और एग्जम सप्लाई होगा क्योंकि टर्न ओवर इन स्टेट में हम तीन सप्लाई मेजरली लेंगे टैक्सेबल सप्लाई एग्जम सप्लाई नील रेट सप्लाई तो वो जो टर्न ओवर इन स्टेट तीनों का मिला के कमॉन टर्न ओवर इन स्टेट तीनों का मिलाकर जो आएगा उसका टेन परसेंट का सर्विस अलाउ होगा आई रिपीट उसका टेन परसेंट का सर्विस अलाउ होगा लेकिन वो जो आप टर्न ओवर इन स्टेट ले रहे हैं टर्न ओवर इन स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई एग्जम सप्लाई और नील रेट सप्लाई आई रिपीट टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई और नील रेट सप्लाई ये जो टर्न ओवर इन स्टेट में आप ले रहे हो बेटा ओके इसमें आप एक एग्जाम सर्विस नहीं लोगे कौन सी एग्जाम सर्विस नहीं लोगे ओके जो यहां पे नो लोन एडवांसेस और डिपॉजिट आपने किसी को लोन दिया होगा आपने किसी को एडवांसेस दिए होंगे या डिपॉजिट दिया होगा उसका इंटरेस्ट या उसका डिस्काउंटिंग शाल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट यानी वो छोड़ के आप कंसीडर करोगे ओके एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं देखो टर्न इन स्टेट और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर सिक्सटी लैक्स है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिपॉजिट अर्न माउंटिंग ट्वेंटी लैक्स थोड़ा उसका ब्रेक का पैसा देता हूं प्रीवियस प्रेसिंग फिनेंशियल ईयर का आपका सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स समझ लो यहां पर आपका फिफ्टी लैक्स रहा फिफ्टी लैक्स रहा नहीं सॉरी एग्जाम्पल लेते कि ये जो है फोर्टी लैक्स रहा सप्लाई ऑफ गुड्स उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस आपका थ्री लैक्स रहा सप्लाई ऑफ एग्जम सर्विस सप्लाई ऑफ आपका एग्जाम सर्विस आपका यहां पे एक मिनट फाइव लैक्स लेते हैं और सप्लाई एग्जाम सर्विस थ्री लैक्स रहा मतलब अदर कोई एग्जाम सर्विस होगी और आपका सप्लाई मतलब सॉरी इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग ये भी एग्जाम सर्विस ही है ये भी एग्जाम सर्विस ही है और ये आपका 12 लैक्स रहा ऐसा टोटल 60 लैक्स हुआ ऐसा टोटल 60 लैक्स हुआ तो ये प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न ऑन स्टेट तो अब ये आपका जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का ब्रेकअप मैंने दिया है जिसमें 12 लाख इंटरेस्ट है तो आपको ओके ये 40 लैक्स तो लेना ही है ध्यान से देखिएगा ये 40 लैक्स आपको लेना है टैक्सेबल सप्लाई भी लेना है एग्जाम सप्लाई भी लेना है लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ देना है मतलब आपको जो ये टेन परसेंट निकालना है ये फोर्टी एट लैक्स का टेन परसेंट निकालना है कमॉन फोर्टी एट लैक्स का टेन परसेंट यानी फोर लैख एटी थाउजेंड कमॉन कितना फोर लाख एटी थाउजेंड ओके ये टेन परसेंट के लिए कैलकुलेशन में लेना है तो ये फोर लाख एटी थाउजेंड ओके यानी इंटरेस्ट छोड़कर फोर लाख एटी थाउजेंड या फाइव लैक्स विच एवर इज हायर तो आपकी एलिजिबल लिमिट हो जाएगी फाइव लैक्स कमॉन एलिजिबल लिमिट हो जाएगी फाइव लैक्स तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप समझे समझोगे okay? अब ये एक्सप्लेनेशन क्यों लाया गया बस एक ही लॉजिक पे लाया गया ये एक्सप्लेनेशन पहले भी था सर्कुलर के थ्रू था अब वो सर्कुलर विड्रॉ हो गया ये इस लॉजिक पे लाया गया बेटा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो कि इंटरेस्ट इनकम को अगर कंसिडर कर लिया जाए ओके इंटरेस्ट इनकम को कंसीडर कर लिया जाए तो करंट ईयर में वो लिमिट बढ़ जाएगी सर्विस देने की जबकि इंटरेस्ट जो है हम कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं करते मैं आगे टर्न ओवर इन स्टेट में आऊँगा आगे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा ओके आगे एक्सप्लेनेशन आएगा अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि प्रीवियस ईयर के जब 10 परसेंट की लिमिट निकाली जाएगी तो इंटरेस्ट उसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऐड हो गया तो आपकी 10 परसेंट की लिमिट बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट वो नहीं चाहती है क्योंकि आगे नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं आगे कवर करूंगा गवर्नमेंट क्लियर ये कहती है कि आप जब टैक्स देते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कंसिडर नहीं होता है अभी मेरा यह स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा पर हम उसको बाद में लेंगे कमॉन हम उसको बाद में लेंगे आई होप यू अंडरस्टूड वॉट आई एम सीन तो अभी सिर्फ इतना याद रखो आई रिपीट अभी सिर्फ इतना याद रखो कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम पिछले साल मिलेगा आपने किसी को अनसिक्योर्ड लोन दिया होगा बैंक में डिपॉजिट रखा होगा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट रखा होगा तो ये जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है ये इंटरेस्ट इनकम जो इवन दो एग्जम सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है इवन दो हम टर्न ओवर इन स्टेट में एग्जम सप्लाई भी कंसिडर करते हैं लेकिन ये इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होगा फोर लैख एटी थाउजेंड और फाइव फाइव लैक्स ये कंसिडर किया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड यस और नो चलिए तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे टेन परसेंट ऑफ टर्न और और उसके लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड किया जाएगा यहाँ तक हमने ये डिस्कशन खत्म किया उसके बाद में ओके okay, पर ये डिस्कशन वैसे पूरा नहीं हुआ क्योंकि आगे एक एक्सप्लेनेशन है तो वो कैलकुलेशन भी मैं यहाँ कंसिडर करूँगा और वो कैलकुलेशन लेने के बाद ही ओके okay, हम इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ पाएंगे तो आप थोड़ा वेट करना ओके okay, आगे हम डिस्कशन में और इससे रिलेटेड बात करेंगे ठीक है उसके बाद में सी जी एस टी रूल्स में और कोई रिस्ट्रिक और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो यहाँ हमारा टेन टू का डिस्कशन विथ प्रोविजो टू विथ एक्सप्लेनेशन वन ये खत्म होता है टेन टू के रिस्ट्रिक्शंस एक बार फिर से समझ लो जितनी सर्विस आपको प्रोविजोर टू में अलाउ की है उतनी सर्विस से ज़्यादा आप सर्विस दे नहीं सकते आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते आप गुड्स का ई सप्लाई नहीं कर सकते जो टी काटेगा उसके बाद में आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते उसके बाद में नेक्स्ट बेटा आप जो है नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते उसके बाद में नेक्स्ट जो है आप सीटीपी और एनआरटीपी भी ओके okay, उस, उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते वो तो हमने टेन टू में देखा अगर आप सीजीएसटी रूल देखते हो तो उस रूल फाइव में और कुछ कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस है ये भी देख लेते हैं यानी एक बार सभी कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं तो ये क्या कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस है बेटा तो रूल में कहता है ही इज नॉट सी और एन आर टी पी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओके okay, वो रिपीटेशन है आई रिपीट वो रिपीटेशन है तो वो सी और एनआरटी नहीं होनी चाहिए आर में उनको नाइन थ्री नाइन फोर का पूरा टैक्स देना पड़ेगा ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर में ओके okay, यानी पूरा टैक्स भी देना पड़ेगा और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा यानी अपनी शादी रजिस्टर मैरिज और नेक्स्ट क्या बेटा साले की शादी धूमधाम से ठीक है नौ ये हाँ ए, एक आ, नोट्स बनाते वक्त मिस्टेक ये हुई है शायद आपके नोट्स में करेक्ट होके आया होगा नहीं हुआ तो आप करेक्शन कर लो एक्चुअली ये जो पेमेंट ऑफ आरसी ऑन परचेसेस हाँ ये वाला कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है ये हम देख चुके हैं पेमेंट ऑफ आर सीम ऑन परचेसेस ऑलरेडी डिस्कस ये अभी हम देखेंगे और ये इसकी कमेंट है ये बी वाले की कमेंट है ये कमेंट रिलेटेड

उस दिन आप अपना स्टॉक देखोगे उस दिन आप अपना स्टॉक देखोगे और आपके स्टॉक में कोई, अगर की होगी, आपके में कोई से होगी तो 94 के हिसाब से रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, के से रिवर चार्ज में उस टैक, देना पड़ेगा तो ही आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो मेरा स्टेटमेंट एक बार फिर से कैच करना Now, जब आप कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर रहे हो ठीक है तो जब आप कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर रहे हो उस वक्त आपका आपको स्टॉक देखना, पड़े, देखना पड़ेगा और आपके स्टॉक में कुछ ऐसी होगी जो अनरजिस्टर्ड से किया हो तो उस परचेसेस का टैक्स नाइन फोर के तहत आपको रिवर चार्ज में देना पड़ेगा नाइन फोर के तहत रिवर चार्ज में देना पड़ेगा तो ही आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर पाओगे नाउ नेक्स्ट सर ये

ब्लैक मार्केटिंग वाला गुड्स है लेकिन ओके okay, आप अनरजिस्टर्ड के नाम से वो बुक्स में एंट्री कर रहे हो और ये जो चोरी किया हुआ गुड्स है इसमें इसको आप लेवी में लेके वाइट कर दोगे क्यों क्योंकि आपका स्टॉक रिकॉर्ड तो कोई देखेगा भी नहीं कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ आपका टर्न ओवर देखेगा तो आपने चोरी किया हुआ माल लाया उसको कंपोजिशन स्कीम में ले लिया वन परसेंट दे के वाइट कर लिया अब मेरी बात समझ रहे हो वन परसेंट दे के वाइट कर लिया आपने तो गवर्नमेंट को डर है कि कंपोजिशन लेवी में अनरजिस्टर्ड से किए अनरजिस्टर बंदे से परचेज किया माल जो है वो वाइट हो सकता है वन परसेंट देकर चोरी किया माल ओके okay, वाइट हो सकता है वन परसेंट देकर इसलिए ये कंडीशन लाएगी लेकिन अब मैं ये कमेंट में मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया जो आप रीड कर सकते हो बाद में क्या अभी नाइन फोर जो है वो सभी अनरजिस्टर्ड परचेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है रिपीट नाइन फोर जो है सभी परचेस के लिए अपनी नहीं है कम आपने रजिस्टर बंदे से लिया सीमेंट है कैपिटल गुड्स है यह लिमिटेड कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स परचेस करता है और कौन प्रमोटर परचेस करता है अनरजिस्टर्ड से परचेस करता है तो नाइन फोर की लाइबिलिटी आएगी तो फिर इस कंडीशन को अगर हम 94 के साथ देखे तो यह सिर्फ तीन केसेस में ही अप्लीकेबल होगा मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वाला ओके okay, अब यहां पे ये तो ऐसे होगा कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला जो है यहाँ पे अनरजिस्टर्ड से परचेस करता है कम ऑन कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करता है और वो नाइन फोर की वो तीन कंडीशन पे आ रहा होगा सीमेंट होगा कैपिटल गुड्स होगा और वो कंपोजिशन लेवी के लिए ऑफ करना चाहता होगा तो ये कंडीशन अप्लीकेबल है अदरवाइज नाइन फोर इसके अलावा दूसरी जगह नहीं लगता है दूसरी जगह नहीं लगता है मतलब मतलब ये हुआ कि वो तीनों कंडीशन छोड़ के बाकी मतलब वो तीनों में आप नहीं आते हो आप नॉर्मल स्टेशनरी शॉप हो आप नॉर्मल हार्डवेयर शॉप हो तो आप नाइन फोर में आते ही नहीं हो क्योंकि नाइन फोर में प्रमोटर बिल्डर आता है तो ऐसे केस में आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हो तो आपको रिवर चार्ज में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो ये सिर्फ नाइन फोर में जहां जहां के लाइबिलिटी आती है उनको ही अप्लीकेबल हो होगा ये मेरा मानना है ये मेरा इंटरप्रिटेशन है क्योंकि उन्होंने कहा कि नाइन फोर के तहत टैक्स देना पड़ेगा और नाइन फोर के तहत तीन ही केसेस है जहां टैक्स देना पड़ेगा मतलब मैं अगर वो तीन केसेस में फिट नहीं होता हूं तो अगर मैंने अनरजिस्टर्ड परचेस पर्सन से परचेस किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर मैंने परचेस किया तो मुझे वहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप ये बात समझ रहे हो तो वहां टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है तो बेटा यहां पे नेक्स्ट मैं यही मानूंगा कि इसकी अपलिकेबिलिटी लिमिटेड टू नाइन फोर रहेगी लिमिटेड टू नाइन फोर रहेगी इसमें मैं ये भी मानता हूं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट हैम्पर हो जाएगा जो ब्लैक का गुड्स है वो व्हाइट बन जाएगा ये जो रिस्ट्रिक्शन लाया गया था रूल फाइव में ये इस ऑब्जेक्ट से लाया गया था कि भाई जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं सुनो जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं वो ब्लैक का गुड्स व्हाइट ना कर दे वन परसेंट में लेकिन नाइन फोर का रेफरेंस उन्होंने जो लिया तो नाइन फोर का रेफरेंस लेते ही ओके अब तीन ही केसेस में ये अप्लाई होगा बाकी केसेस में वो अप्लाई नहीं होगा तो यहां अमेंडमेंट होने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है रेदर देन नाइन फोर वो सिर्फ इतना कह दे कि रिवर चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा तो शायद ये सभी वो लोगों को अपलिकबल हो जाएगी जिनके स्टॉक में अनरजिस्टर्ड लोगों की परचेसेस है सभी वो लोगों को अपलीकेबल हो जाएगा लेकिन फिलहाल यू मस्ट कन्फाइन योर रिस्ट्रिक्शन ओके अपटू नाइन फोर ठीक है उसके बाद में आर सी एम में अगर आपने कोई परचेस किया नाइन थ्री नाइन फोर का तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ये तो हम डिस्कस कर चुके थे आइसक्रीम पान मसाला टोबैको रिस्ट्रिक्टेड है फॉर मैन्युफैक्चर ये भी डिस्कस कर चुके थे हाँ आपको कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई आई रिपीट क्या बेटा बिल ऑफ सप्लाई जो है टैक्स इन्वाइस नहीं होता बिल ऑफ सप्लाई होता है और वो बिल ऑफ सप्लाई पे ये लिखना जरूरी है कि यू आर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई हाँ आपके इन्वाइस पे ये स्टैम्प देना बहुत जरूरी है कि आप कंपोजिशन डीलर हो और आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे और डिस्प्ले एट बिजनेस पीमाइसेस तो यहाँ पे

मुझे ये लगता है कि ये तीन ही केस में अप्लाई होगा बाकी केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी उसके बाद में आर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा ये भी डिस्कस कर चुके हैं नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी आपको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा और बिल ऑफ सप्लाई में ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और आपका डिस्प्ले पे आपको लिखना पड़ेगा कि यू आर द कम्पोजिशन डीलर तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने देखे चलो इसके बाद हम एक प्रॉब्लम देखेंगे वो प्रॉब्लम बहुत अच्छा है जिसमें आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉब्लम बेटा वो देखते हैं इससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी हमने डिस्कशन किया ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले हर पॉइंट अच्छे से आग बंद करके सुन लो जो मैंने एक्सप्लेन किया था नाउ सेक्शन टेन वन में आपको जो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी उसमें अगर आपका एग्रीगेट टर्न और प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर डेढ़ करोड़ के नीचे होगा तो आपको स्कीम मिलेगी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए 75 फाइव लैक्स की लिमिट होगी लेकिन तीन ऐसे स्टेट कौन कौन से आसाम हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर तीन ऐसे स्टेट जो है यहां पे लिमिट जो है डेढ़ करोड़ ही रहेगी नेक्स्ट हमने रेट देखा था मैन्युफैक्चरर होगा तो मैन्युफैक्चरर जब टैक्स देगा तो स्टेट वाइज टैक्स देगा और वो वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट देगा वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट देते वक्त वो टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्ज्यूम सप्लाई प्लस नील रेट सप्लाई भी ऐड करेगा क्यों क्योंकि बाकी अदर सप्लाई जो है अगर होगे तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी नहीं इसलिए तीनों सप्लाई ही कंसीडर किए जाएंगे और ऐड किए जाएंगे रेस्टोरेंट कैटरिंग पाँच परसेंट ऑफ टर्न ऑन स्टेट ट्रेडर होगा तो वन परसेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हाँ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेस मतलब वो करंट ईयर में ध्यान से करंट ईयर में ट्रेडर उसको जितने भी परमिशिबल सर्विस मिली प्रोविजोर टू में तो उसका वो वन परसेंट ही देगा मतलब करंट ईयर में दस परसेंट या फाइव लैक्स इज हायर तो उसमें जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज है आई रिपीट उसका ही वन परसेंट देगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजो टू कहती है कि ट्रेडर मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट कैटरिंग ये करंट ईयर में सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे सकते हैं सर्विसेज वो जो देगी टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और फाइव लैक्स एवर इज हायर उसके बेस पर देंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब आप टर्न ओवर इन स्टेट लोगे प्रेसिडिंग फिनंशियल ईयर का तो उसमें इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग का जो अमाउंट आपको मिला वो कंसिडर नहीं करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ टेन परसेंट ना फिर हमने यहाँ पे स्पेशल डिस्कशन क्या देखा ये जो टेन प्रोविजो टू वाला प्रोविजो टू वाला स्पेशल डिस्कशन हमने ये देखा कि ये जो है प्रीवियस ईयर में भी कंसिडर होती है करंट ईयर में भी कंसिडर होती है और यहाँ पे आपको ये जो लिमिट मिली है ये लिमिट दोनों मिला के टैक्सीबल एज वेल एज एग्जम दोनों का आपको दस परसेंट या 5 लाख मिला है अब एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है इवन दो जब आप करंट ईयर में दस लिमिट परमिसिबल लिमिट कैलकुलेट करोगे परमिसिबल लिमिट के लिए आपको दोनों कंसिडर करना है लेकिन ट्रेडर होगा आई रिपीट ट्रेडर होगा तो टैक्स पे करते वक्त आपको सिर्फ टैक्सेबल देना है मतलब करंट ईयर की स्टेटस देखो जब आप और करंट ईयर में दो लिमिट एक साथ चेक करना पड़ता है ध्यान से सुनना करंट ईयर में दो लिमिट एक साथ चेक करना पड़ता है वन फिफ्टी लैक्स का भी देखना पड़ता है कि आपका एग्रीगेट टर्न और वन फिफ्टी लैक्स क्रॉस नहीं हो रहा है प्लस आपकी परमिसिबल लिमिट भी क्रॉस नहीं हो रही है अगर परमिशिबल लिमिट पहले ही क्रॉस हो जाती है तो बात ख़त्म या वन फिफ्टी लैक्स क्रॉस हो जाता है तो बात ख़त्म करंट ईयर में दो लिमिट चेक करना पड़ता है वन फिफ्टी लैक्स की और परमिशिबल लिमिट ऑफ सर्विसेज की दोनों में से पहले जो भी खत्म वो वहां आपकी कंपोजिशन लेवी भी, भी ड्रा हो गई मेरी बात समझ में आ रही है नाउ अब आप जब करंट ईयर में एग्रीगेट टर्न ओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्न ओवर में टैक्सेबल सप्लाई वोली एग्जम्प्ट और नील रेट सप्लाई तो एग्रीगेट टर्न ओवर लेते वक्त तो आपको पूरा लेना पड़ेगा टर्न ओवर इन स्टेट लेते वक्त भी आपको स्टेट वाइज पे करना पड़ेगा सर्विसेज़ में भी परमिसिबल लिमिट में यानी आपको करंट ईयर में तीन चीज़ें एक साथ चलानी है मेरी बात को ध्यान में सुनना और बंद रूम में आप आप भी रिवाइज करना तीन चीज़ें करंट ईयर में एक साथ चलानी है आपको एग्रीगेट टर्न ओवर भी देखना है आपको टर्न ओवर इन स्टेट वाइज टैक्स भी देना है और आपको सर्विसेस भी चेक करना है

तो वो टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट का देगा ट्रेडर होगा तो ट्रेडर के केस में ध्यान से सुनना ट्रेडर के केस में 150 फिफ्टी ,00 लैक्स के एग्रीगेट टर्न ओवर यानी हमारा स्कीम लैप्स होगा या नहीं होगा लैप्स होगा या नहीं होगा या किस दिन लैप्स होगा तो एग्रीगेट लेते टाइम टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट एग्रीगेट लेते टाइम तो आपको 150 लाख ,00 का तीनों कंसीडर करना पड़ेगा लेकिन आपको जो टैक्स देना है वो देना सिर्फ टैक्सेबल के केस में है यानी डेढ़ करोड़ की लिमिट कैलकुलेट करते वक्त एग्रीगेट टर्न ओवर कैलकुलेट करते वक्त आपको लेना तो सब कुछ है टैक्सेबल एग्जाम नील रेट लेकिन ट्रेडर जो टैक्स देगा वो टैक्स सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे देगा बस ये पॉइंट अगर आपको क्लिक हो गया ना तो फिर इसमें अब कंपोजिशन लेने में कुछ भी हार्ड नहीं बचा एक बार फिर से मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो उनको एग्रीगेट टर्न ओवर लेते वक्त नील टैक्स एग्जाम विड्रॉ हो जाएगी टैक्स देते वक्त भी टैक्सेबल नील रेट ठीक है और सर्विस भी ओके जो परमिसिबल सर्विस है तो उसमें टैक्सेबल और एक्सेब्ट. ये यह तो सब कंसीडर करना पड़ेगा और तीनों सबका मिला के एग्रीगेट कर्न ओवर डेढ़ करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए पर ट्रेडर के इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है आई रिपीट ट्रेडर के इसमें एक थिन लाइन डिफरेंस है क्या कि ट्रेडर जब अपना एग्रीगेट टर्न निकालेगा करंट ईयर का कि स्कीम लैप्स हुई या नहीं हुई तो उसमें एग्रीगेट टर्न में, में टैक्सेबल एग्जम नील रेट ऑफ गुड्स और सर्विस सब कुछ लेगा लेकिन टैक्स सिर्फ वो टैक्सेबल पर ही देगा टैक्स सिर्फ वो टैक्सेबल पर ही देगा मेरी बात समझ में आई चलो ये प्रॉब्लम लेता हो तो और आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी देखिए मिस्टर रोशन अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट ट्रेडर है बेटा हाँ मैंने जानबूझ के ट्रेडर का एग्जांपल लिया रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट एंड हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन कैरीड आउट बाय हिम इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की जगह वन टू ऑप्ट करो यहां पे पर फॉर कंपोजिशन स्कीम उसके बाद में डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ईयर 1819 दिया हुआ है 1819 नाइनटीन फाइनेंशियल ईयर है करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 है आर गिवन एस फॉलोस डिटरमाइन एग्रीगेट टर्न एंड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ठीक है फर्स्ट क्वार्टर 1920 गिवन फॉर गिवन एज फॉलोस डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर ठीक है फर्स्ट क्वार्टर का आपको लाइबिलिटी निकालना है 1819 नाइनटीन प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर का डेटा देखो क्या दिया है तीन स्टेट दिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो गुड सप्लाई हुआ टैक्सेबल हो एग्जाम और नील रेट दस लाख सर्विसेस टैक्सेबल और एग्जाम दोनों मिला के लाख टोटल बारह लाख गोवा मध्य प्रदेश और टोटल दिया है इसका अब एग्रीगेट टर्न एग्रीगेट टर्न क्योंकि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का सिर्फ हमें एग्रीगेट टर्न देखना है कि हमारी कंपोजिशन की मिलेगी नहीं होगी तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्न ऑल टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई नील रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सबके टोटल हाँ सबका बदला लूंगा मैं तो यहाँ पे सबकी टोटल टैक्सेबल एग्जम नील रेट गुड्स सर्विसेस एक्सपोर्ट नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट होता है तो कंपोजिशंस स्कीम मिलती ही नहीं नॉन टैक्सेबल होता है तो कम्पोजिशंस स्कीम मिलती ही नहीं या अदर होता है तो स्कीम नहीं मिलती नहीं तो सिर्फ उन्होंने टैक्सेबल एग्जाम और नील रेट और सर्विस भी पिछले साल दिया है तो यहाँ पे यहाँ वन फिफ्टी लैक्स डॉट होता है और एक नीचे नोट भी दी है सर्विस प्रोवाइडेड इज़ विद इन टेन परसेंट ऑफ टर्न और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइव लैक्स विच हायर मतलब ये जो सर्विसेज दी जा रही है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये विद इन परमिसिबल लिमिट है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो सर्विसेज दी जा रही है वो विद इन परमिसेबल लिमिट है क्योंकि हमने एक कंडीशन देखी थी आपको याद होगा तो कि ये जो प्रोविजो टू और टेन टू ए ये सिर्फ करंट ईयर नहीं प्रीवियस ईयर भी देखा जाता है तो हमने तीन साल लिए थे तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसके प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्न का टेन से ज्यादा होगा तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है कुछ याद है आपको तो ऐसे केस में प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की ये जो सर्विस का डिटेल्स दिया है ये विद इन परमिसेबल लिमिट है ठीक है विद इन परमिसेबल लिमिट है चलो अब करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा उन्होंने महाराष्ट्र गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल सप्लाई गुड्स 20 लाख एग्जाम सप्लाई 10 लाख और सर्विसेज टैक्सेबल 2 लाख और 1 लाख हाँ अब बेटा ट्रेडर है ट्रेडर है तो यहाँ पे गुड्स का महाराष्ट्र का दिया है गोवा का दिया है मध्य प्रदेश का दिया है ओके okay, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पे दिया है चलिए सबका डेटा उन्होंने दिया अब मैं साइड में लिख देता हूं आंसर में एक लाइन नहीं आई है आंसर में मैं एक एक लाइन लिख देता हूं एज एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रोसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 150 फिफ्टी लैक्स यानी वन पॉइंट फाइव करो हेंस मिस्टर रोशन Sorry, Mr. Roshan Roshan is eligible for composition scheme in current financial year nineteen twenty. उसको कंपोजिशन स्कीम करंट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी ठीक है ये आपकी पहली लाइन होगी अब करंट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स निकालना है ये डेटा जो दिया है फॉर फर्स्ट क्वार्टर का दिया है फर्स्ट क्वार्टर का डेटा उन्होंने दिया है चलो तो अब ये हम निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर का डिटेल्स तो अब हमने फर्स्ट क्वार्टर का ट्रेडर है तो ट्रेडर बेटा हमें अब तीन चीज़ें एक साथ चलानी है कौन कौन सी हमें तीनों का एग्रीगेट टर्न पे भी ट्रैक रखना है दूसरा ये जो सर्विसेज दे रहे हैं कमऑन ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सर्विसेज टेन परसेंट ऑफ प्रसीडिंग फिनेंशियल ईयर यानी प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर का इंडिविजुअल जो टर्न ओवर इन स्टेट था जैसे महाराष्ट्र का टर्न ओवर इन स्टेट था 12 लैक्स स्टेट वाइज चलेगा गोवा का 18 लैक्स मध्य प्रदेश का 120 लैक्स था तो ये जो यहां पे 12 लाख, 18 लाख या 120 लाख था इसका 10 परसेंट मिलेगा चलो इसमें तो ये अच्छी बात है कि इंटरेस्ट वाला एलिमेंट नहीं है अगर इंटरेस्ट वाला एलिमेंट होता तो वो हम कंसीडर नहीं करते हम सिर्फ ओके गुड्स और सर्विस यानी ये जब 10 परसेंट निकालते तो 10 परसेंट निकालने के लिए ध्यान से सुनना टेन निकालने के लिए यहाँ पर हम इंटरेस्ट वाला एलिमेंट कंसिडर नहीं करते थे ठीक है तो अब ऐसे केस में मुझे परमिसिबल लिमिट कितनी आएगी जैसे महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र के लिए इस बार मैंने गुड सप्लाई किया बीस लाख का ओके टैक्सेबल और एग्जम सप्लाई किया दस लाख का ठीक है तो महाराष्ट्र का मैंने बीस लाख एग्जाम दस लाख अब मुझे करंट ईयर में लिमिट कितनी मिलेगी तो मेरी अलाउड लिमिट है मुझे लिमिट कितने मिलेगी तो करंट ईयर में मुझे लिमिट मिलेगी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का मेरा टर्न और बारह लाख था यानी करंट ईयर में मुझे लिमिट जो मिलेगी वो वन पॉइंट टू लैक्स रुपीज मिलेगी वन पॉइंट टू लैक्स रुपीज मिलेगी और मैंने एक्चुअल हाँ अब ये जो टेन परसेंट की लिमिट मुझे मिली है टेन परसेंट और फाइव लैक्स सॉरी वन पॉइंट टू लैक्स नहीं गलती होगी मेरी यहाँ पे लिमिट जो मिलेगी ये पांच लाख मिलेगी ओके ये पांच लाख लिमिट मिली क्योंकि 1.2 और 5 लाख और फाइव लैख्स तो ये पांच लाख रुपए की लिमिट मुझे मिली हाँ तो एक्चुअल में मैंने कितना सप्लाई किया तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे सप्लाई किया बेटा सर्विसेस दो लाख प्लस एक लाख तीन लाख का सर्विसेज मैंने सप्लाई किया टू लैक्स और वन लाख ये तीन लाख का सर्विस मैंने सप्लाई किया मेरी बात समझ रहे हो आप क्यों क्योंकि ये जो पांच लाख की लिमिट मिली मुझे ये दोनों मिला के मिली तो पांच लाख तक मैं सर्विस दे पा रहा दे दे सकता हूं पहले क्वार्टर में मैंने तीन लाख का सर्विस दिया तो चलो मैं विद इन लिमिट हूँ तो ध्यान से सुनना अब मैं विद इन लिमिट हूँ ठीक है तो अब यहाँ पे बेटा जहाँ तक देखा जाए तो अब मेरा टैक्स पेबल कितना आएगा तो ट्रेडर जो है ट्रेडर टैक्स जो देगा वो सिर्फ टैक्सेबल पे देगा तो यहां पे अगर आप ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू लेते हो प्लस टू यानी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू का अगर आप जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट निकालोगे तो नाउ आपको एलेवन थाउजेंड एलेवन थाउजेंड आएगा नेक्स्ट पेज पे मैंने निकाल के दिया है ओके okay, देखो महाराष्ट्र का ट्वेंटी टू का ओके ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट तो यहाँ पर मैंने निकाल के दिया है यहाँ आप लिख सकते हो रेफर वर्किंग नोट रेफर वर्किंग नोट तो बेटा ध्यान से ध्यान से देखो ध्यान से देखो मुझे तीन बातें एक साथ चलाना है इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा पर मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ मेरा टर्न और पहले क्वार्टर का तीस लाख है चलो उसके बाद में दूसरी चीज ओके एग्रीगेट टर्न और तीस लाख है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का तीस लाख है उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे लिमिट मिलेगी पाँच लाख की ठीक है ये प्रीवियस ईयर के टर्न ओवर इन स्टेट को स्टेट वाइज लिमिट मिलेगी मैंने एक्चुअल जो सर्विस दिया वो दो प्लस तीन क्योंकि ये लिमिट जो है दोनों की मिला के मिलेगी ओके टू प्लस वन तो तीन लाख का मैंने एक्चुअल सर्विस दिया आप बात समझ रहे हो तो लेकिन ट्रेडर होगा आई रिपीट ट्रेडर होगा तो वो जो है यहाँ पे ट्वेंटी प्लस टू इस पर ही टैक्स देगा यानी ट्वेंटी टू पर ही टैक्स देगा लेकिन अगर यही अगर यही मैन्युफैक्चरर होता यही मैन्युफैक्चर होता तो फिर वो एग्जाम पर भी देता क्योंकि मैन्युफैक्चर के केस में okay, आपको एग्जाम गुड्स या सर्विस उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा टर्न इन स्टेट में वो लिया जाएगा ठीक है सेम फॉर गोवा गोवा के लिए आपका चालीस और पंद्रह है से so, गुड्स का आप फाइव लैक्स आपका हायर आता है टर्न इन स्टेट के हिसाब से आपने थ्री और जीरो पॉइंट फाइव दिया तो ऐसे केस में यहां पे ध्यान से देखिएगा तो गोवा के केस में भी आपको जो है सिर्फ टैक्सेबल का ही टैक्स देना है और सेम फॉर एमपी एमपी के लिए आपको जो लिमिट मिलेगी वो 12 लाख मिलेगी बेटा क्यों क्योंकि टर्न इन स्टेट जो है 120 लाख था तो 12 लाख की मिलेगी आपने 12 लाख टोटल सप्लाई कर दिया था और सिर्फ टैक्सेबल पर आपका टैक्स दिया जाएगा इन शॉर्ट ओके ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे और बाकी वर्किंग नोट तो मैंने आपको बताई है तो इन शॉर्ट में आपको यही कहूँगा कि टोटल आपका एग्रीगेट टर्न और भी डेढ़ करोड़ के नीचे तीस प्लस तीन थर्टी थ्री प्लस फिफ्टी फाइव प्लस थ्री पॉइंट फाइव ओके और यहाँ पे फोर्टी फाइव प्लस ट्वेल्व लैक्स अगर देखो तो आपको तीन बातें करंट करेंट ईयर में चेक करनी है कि सबका एग्रीगेट टर्न और डेढ़ करोड़ के नीचे होना चाहिए सबका पूरा मिला के डेढ़ करोड़ के नीचे होना चाहिए दूसरा आप टेन परसेंट से ज़्यादा स्टेट वाइज नहीं जाना चाहिए ओके और तीसरा ट्रेडर होगा तो टैक्सेबल सप्लाई पर ही आप टैक्स दोगे आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा आपके लिए एक होमवर्क जो जरूर करना ओके सेम प्रॉब्लम अगर मैन्युफैक्चर होगा ये पूरा टेबल ड्रॉ करना ओके okay, प्रैक्टिस करना बेटा नहीं तो फिर कोई ये कंसेप्ट नहीं समझेगा और आज के आज खत्म करना सिर्फ लेक्चर जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो ओके okay, थोड़ा सिंथेसाइज करो कंसेप्ट को यह बिल्कुल गलत वे है स्टडी करने का कि बस खत्म कर दो खत्म कर दो खत्म कर दो अरे सिंथेसाइज करो थोड़ा प्रैक्टिस करो थोड़ा क्वेश्चन यार देखो देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप कैसे लिख पा रहे हो कहाँ लैकिंग हो रहा है ये रियल स्टडी है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो रही है सिर्फ बस खाते जा रहे हो खाते लेक्चर खत्म कर दो एक बार सिलेबस खत्म दैट्स ऑल ऐसा मत करो यार तो आज आपके लिए होमवर्क कि मैन्युफैक्चर होगा तो क्या चीजें बदल जाएगी मैन्युफैक्चर होगा तो यहाँ पे आपको एग्जाम का भी देना पड़ेगा बस इतनी चीज़ बदल जाएगी तो ये फॉर्मेट ड्रॉ करके देखो और ये एग्जाम का भी आपको पे करना पड़ेगा ये फॉर्मेट में नहीं तो दूसरा फॉर्मेट आपको जो ईजी लगता है वो ट्राई करो ठीक है अब मैं आपको एक बात बता दूँ ये जो है वन परसेंट ये वन परसेंट गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों का वन परसेंट है अगर आप टेन वन का क्लॉज सी देखोगे तो क्लॉस सी है यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो वन परसेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों वर्ड है तो जितना परमिसिबल सर्विस है आपको वो सर्विस का भी आपको वन ही टैक्स देना है और मैन्युफैक्चर होगा तो टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन स्टेट में तो गुड्स प्लस सर्विस दोनों भी आ जाता है तो उसको एग्जाम का भी देना पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चर होता तो तो ये आपके लिए होमवर्क है ये एक अच्छा प्रॉब्लम बेटा पूरा अच्छे से पढ़ना अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना एक आपके लिए होमवर्क जो ट्राई करो और ये अमाउंट फिर से कैलकुलेट करो ठीक है तो चलिए यह हमने एक अच्छा प्रॉब्लम देखा बेटा रिगार्डिंग टू ये कि सभी फैक्टर्स को कैसे चेक किया जाता है देन तो यहां खत्म होता है हमारी मेरे हिसाब से टेन वन की स्कीम यहां खत्म हो जाती है हाँ टेन वन की स्कीम यहां खत्म हो जाती है अब हम दूसरी स्कीम चालू करेंगे सेक्शन टेन में टेन टू ए की ठीक है चलो चलिए तो अब हम देखेंगे सेकंड कंपोजिशन लेवी कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन टेन टू ए प्रीडोमिनेंटली ये जो लेवी है ये तो सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है लेकिन इसके वर्डिंग्स ऐसे नहीं है कि ये ओनली सर्विस प्रोवाइडर को होगी <laughs> ये मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना कि ये सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में लेकर बनाई गई है बट इसके वर्डिंग्स ऐसे नहीं है कि ये ओनली सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगी ऐसा भी नहीं है ठीक है पहले हम ये प्रोविज़न पढ़ते हैं और फिर इसका एनालिसिस करते हैं पर मैं ये कहूँ क्या थोड़ा बहुत अगर चेंज दोनों स्कीम का अगर हम छोड़ दें तो दोनों स्कीम एग्जैक्टली सेम है यानी जितनी मेहनत मैंने पिछले चार पाँच घंटे से टेन वन करने लिया उतनी मेहनत यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि प्रिंसिपली दोनों स्कीम एक जैसी है सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है अप्लीकेबलिटी में और रेट्स में ओके okay, वो कब अप्लीकेबल होगी और ये कब अप्लीकेबल होगी रेट्स वहाँ क्या होगे तो यहाँ क्या हो गे? तो, तो देखिए अब वो क्या कहते हैं नॉट विस्टर्निंग टू एनी थिंग कॉन्ट्री इन दिस एक्ट पहली लाइन बिल्कुल वैसी जैसे टेन वन की थी कि ये टेन टू ए की स्कीम आपको अगर आप चाहते हो तो जरूर मिलेगी इस एक्ट की कोई भी प्रोविजन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी ठीक है बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 9394 मतलब आर तो अपलीकेबल हो गई जैसे हमने टेन वन में देखा ओके okay, वैसे यहाँ पर भी देखेंगे आर तो अप्लीकेबल हो गई उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं रजिस्टर पर्सन ये स्कीम भी रजिस्टर पर्सन को ही मिलेगी नॉट एलिजिबल टू पे नॉट एलिजिबल टू ऑफ टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन वन एंड सबसेक्शन टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, जैसे टेन वन की स्कीम में उन्होंने तीन नाम ले लिए थे मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर यहाँ पे उन्होंने ये स्कीम किसको मिलेगी नाम नहीं लिया ठीक है सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाएगी पर नाम नहीं लिया उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हर वो पर्सन ये स्कीम के लिए एलिजिबल होगा रजिस्टर्ड पर्सन जो टेन वन और टेन टू में okay, यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाया मतलब टेन वन और टेन टू ने उसको हकाल दिया ओके okay, मतलब हकाल दिया मतलब निकाल दिया तो टेन वन और टेन टू ने अगर उसको निकाल दिया होगा तो डर मत यार ओके okay, नाउ तुझे मेरे पास कंपोजिशन ले स्कीम मिलेगी ठीक है मेरे पास कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो हर वो ध्यान से सुनिएगा हर वो पर्स रजिस्टर पर्सन जो टेन वन और टेन टू में एलिजिबल नहीं था जैसा पहला एग्जांपल टेन वन और टेन टू में सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल नहीं होते क्यों क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरर दूसरा रेस्टोरेंट कैटरिंग और तीसरा ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल नहीं होते मतलब सर्विस प्रोवाइडर ये स्कीम के लिए बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि टेन वन में वो एलिजिबल ही नहीं हुआ है या टेन टू से उसको बाहर निकाल दिया गया मतलब क्या कि तू सर्विस प्रोवाइड करता है जा तुझे सर्विस मिलेगी मतलब कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली ये स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए है पर ये लिखा नहीं है कि ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। ये स्कीम बेटा यहाँ पे हर वो पर्सन के लिए जो टेन वन में एलिजिबल नहीं हुआ अब अब मैं जो पॉइंट कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना समझ लो मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर टेन वन में एलिजिबल नहीं हुआ कंपोजिशन स्कीम के लिए क्यों एलिजिबल नहीं हुआ क्योंकि उसने पिछले साल परमिशिबल लिमिट से ज्यादा सर्विस दे दी इसलिए वहां इलिजिबल नहीं हुआ अज्यूम करते उसका टर्न पिछले साल जो है था यहां पे फोर्टी लैक्स का था फोर्टी लैक्स का था उसमें उसने जो सर्विस दी थी वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा दे दी थी अब अगर उसने सर्विस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा दे दी थी तो इवन दो उसका एग्रीगेट टर्न और चालीस लाख के नीचे होगा पर सर्विस एलिमेंट परमिसिबल लिमिट से ज्यादा था कंपोजिशन स्कीम गई हमने देखा था कि वो परमिसिबल लिमिट की कंडीशन प्रीवियस ईयर भी लगती है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर भी लगती है तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो गया कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी उसने सर्विसेज ज्यादा दे दिया तो वो बंदा यहां ट्राई कर सकता है अगर वो नीचे दी गई सभी शर्तें यहां की पूरी करता है यहां की सभी शर्तें पूरी कर देगा तो वो मैन्युफैक्चरर भी यहां ट्राई कर सकता है जो टेन वन में फेल हो गया ट्रेडर भी यहां ट्राई कर सकता है जो टेन वन में फेल हो गया क्यों, क्यों? क्योंकि उसने परमिशिबल लिमिट से ज्यादा सर्विस दे दी या रेस्टोरेंट और कैटरिंग चलो डेढ़ करोड़ नहीं मिला तो चलो ये स्कीम में पचास लाख में यहां स्कीम पचास लाख है तो यहां पर भी ट्राई कर सकता है तो इन सिंपल वर्ड सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये स्कीम तो है ही आई रिपीट सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये स्कीम तो है ही या दूसरे रजिस्टर पर्सन मैन्युफैक्चरर है ट्रेडर है या रेस्टोरेंट कैटरिंग है टेन वन में वो एलिजिबल नहीं हुए क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उन्होंने कि परमिशिबल लिमिट से सर्विस से ज़्यादा दे दी प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में तो वो यहाँ ट्राई कर सकते हैं लेकिन इस टेन टू ए की सभी कंडीशंस उसे फुलफिल करना पड़ेगा तो मैंने नीचे दिया बेटा कौन ये स्कीम ले सकते हैं ये स्कीम प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो प्रीडोमिनेंटली सर्विसेज देता है ओके okay, और दोन इलिजिबल अंडर टेन वन टेन टू यानी मैन्युफैक्चर ट्रेडर या रेस्टोरेंट ओके प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सेस ऑफ लिमिट मेंशन इन प्रोविजो टू इन पी एफ आई इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल मतलब परमिशिबल okay, लिमिट से ज्यादा उसने सर्विसेज दे दी पिछ, पिछले साल तो वो जो है यहां स्कीम ले सकता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर कम ट्रेडर मतलब मेरी यहां पे शॉप भी है तो मैं सर्विसेज भी देता हूं ओके और मैं दोनों साथ में करता हूं और मैं दोनों साथ में होने की वजह से मेरी सर्विसेज 10 परसेंट से ज्यादा थी पिछले साल तो वो केस में मैं जो है यहां पे टेन वन में ट्रेडर होने के बाद भी स्कीम नहीं ले पाया तो वो यहाँ ये ले सकता है तो ये ओपन है सबके लिए ओपन है सबको मिलेगा सबके लिए ओपन है लेकिन आप फिर टेन टू ए की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी टेन टू ए की कंडीशन फुलफिल करने की क्या तो यहाँ पे अगर आप टेन वन और टेन टू में एलिजिबल नहीं हुए तो फिर वो क्या कहते देखो हुज़ एग्रीगेट टर्न ओवर इन पी एफ आई डिड नॉट एक्सिड फिफ्टी लैक्स फिर यहाँ पे डेढ़ करोड़ नहीं डेढ़ करोड़ बड़ा अमाउंट है मेरा टर्न ओवर डेढ़ करोड़ के नीचे होता तो मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी टेन वन में यहाँ पे डेढ़ करोड़ नहीं रखा उन्होंने यहाँ पे पचास लाख रखा ओनली पचास लाख रखा और आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में होगा तो भी फिफ्टी लैक्स है अगर यहां पे फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ स्टेट दिस फिफ्टी लैक्स फिफ्टी लैक्स लिमिट इज अप्लीकेबल इज applicable ठीक है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो भी 50 लाख से। मतलब यहां उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नॉर्मल स्टेट और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कोई भी होगा 50 लाख की लिमिट मिलेगी मतलब यहां कम कर दिया उन्होंने कि अगर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्न ओवर पचास लाख से कम होगा तो आप ये स्कीम के लिए ऑफ कर सकते हो मतलब वो लोग फंस जाते हैं बेटा जिसका टर्न ओवर सत्तर लाख अस्सी लाख हुआ टेन वन में टर्न क्यूं? ओवर क्यूं? पचास लाख से ज्यादा है तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्न ओवर में अब उसका वापस डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको बाकी सब चीजें सेम लगाना है बस कहां का डिफरेंस है मैं बता दूंगा तो आपका एग्रीगेट टर्न और सबका मिला के ऑल इंडिया का मिला के एग्रीगेट टर्न और 50 लाख ,00 से नीचे है तो आप ये स्कीम के लिए जा सकते हो मे ऑप्ट मतलब स्कीम ऑप्शनल है ओनली ऑफ पेबल अंडर सेक्शन 91 ओके टू पे टैक्स एट कैलकुलेटेड रेट और यहां पे जो रेट है बेटा 3% मतलब 3% सीजीएसटी का है टोटल जाएगा यहां पे 6% सी का थ्री परसेंट एस जी एस टी का थ्री परसेंट तो टोटल जाएगा सिक्स परसेंट तो सिक्स परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट और टर्न ओवर इन यूनियन टेरिटरी मतलब आपको टर्न ओवर इन स्टेट का अब यहां टर्न ओवर इन स्टेट बोला है मतलब क्या यहां पे टर्न ओवर इन स्टेट बोला है मतलब टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम सप्लाई प्लस यहां पे नील रेट सप्लाई प्लस यहां पे नील रेट सप्लाई भी लेना पड़ेगा नील रेट सप्लाई तो ये तीनों सप्लाई ऐड करके उसका छह परसेंट आपको देना पड़ेगा बी केयरफुल उन्होंने बहुत केयरफुली कहा है कि टर्न ओवर इन स्टेट तो टेन वन की स्कीम में क्या था टेन वन की स्कीम में मैन्युफैक्चर और रेस्टोरेंट कैटरिंग को टर्न ओवर इन स्टेट था मैन्युफैक्चर और रेस्टोरेंट कैटरिंग को टर्न ओवर इन स्टेट था लेकिन ट्रेडर को टैक्सीबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओके उसका था लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा हो यहां पे उन्होंने बाइफर गेट नहीं किया सर्विस प्रोवाइडर हो ट्रेडर हो मैन्युफैक्चरर हो जो टेन टू तो मतलब एक डिफरेंस बताओ यहां पे डिफरेंस है बेटा कि यहां पे ट्रेडर होगा कम ऑन ट्रेडर होगा और वो टेन वन में एलिजिबल नहीं हो पाया लेकिन टेन टू में उसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न ओवर जो है पचास लाख से नीचे है तो ट्रेडर क्यों ना हो मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज ट्रेडर क्यों ना हो उसको भी टर्न ओवर इन स्टेट मतलब उसको भी टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई प्लस नील रेट सप्लाई ये तीनों सप्लाई ऐड करके कंपोजिशन स्कीम मिलेगी आप मेरी बात समझ रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में यहां ऐसे कोई बायफर्गेशन नहीं जैसे वहां पे है। तो हमने एक टेबल बनाया था डिफरेंस का उसमें ये एक्स्ट्रा डिफरेंस हम लिख लेंगे ओके okay, लिख लेंगे कि वहां ट्रेडर के लिए टैक्सेबल का ही है पर टेन टू ए में अगर ट्रेडर ले रहा होगा तो उसको फिर टर्न और इन स्टेट मतलब एग्जाम प्लस टैक्सेबल ये भी कंसीडर करना पड़ेगा हम ये डिफरेंस बाद में लेंगे तो ये था ओके okay, यहां पे टेन टू ए का स्कीम कब मिलेगा टेन टू ए का स्कीम हर वो पर्सन को है जो टेन वन में एलिजिबल नहीं था प्री ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए है पर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग भी यहां आ सकते हैं अगर प्रेसिडिंग फिनेंशियल का टर्न और पचास लाख से नीचे है और टेन में वो एलिजिबल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी अदर सर्विसेज ज्यादा थी परमिसेबल लिमिट से ज्यादा थी तो वो यहां अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहां पे फिर उनको वन परसेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहां पे भी वो मिलेगा छ परसेंट से टैक्स देना पड़ेगा और 6 से जब वो टैक्स दे रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ना उनको ये पास ऑन करते आएगा ना वो यहां पर क्रेडिट ले पाएंगे ना क्रेडिट क्रेडिट ले पाए ब्रॉड ब्रॉडसेन्स में कहो क्या ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को टेन वन में डेढ़ करोड़ तक का बेनिफिट है वन परसेंट का टैक्स है और सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ पचास लाख तक का दिया छः परसेंट हाँ जो ट्रेडर मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट कैटिंग वहाँ इलिजिबल नहीं हो पाए फिर ये पचास लाख में छः परसेंट का ऑप्शन वो ले सकते हैं परसेंट का ऑप्शन वो ले सकते हैं तो ये था रिगार्डिंग टू टेन टू ए नी तो अगर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्न और जो है पचास लाख से नीचे होगा तो टेन थ्री क्या कहता है टेन थ्री कहता है ऑप्शन टू अवेल रजिस्टर पर्सन अंडर टेन वन और एज द केस में भी टेन टू है अब मैं टेन टू ए की बात कर रहा हूँ शाल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीगेट टर्न ऑन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ओके सबसेक्शन वन और एज द केस में टेन टू ए हम टेन टू ए की बात करें मतलब पचास लाख यानी अगर एग्रीगेट टर्न ओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और ये करंट फाइनेंशियल ईयर इफ एग्रीगेट ओहो एग्रीगेट टर्न ओवर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रोसिडिंग फाइनेंशियल ईयर ड नॉट एक्सीड्स एक्सिड्स फिफ्टी लैक्स डज नॉट एक्सिड्स फिफ्टी लैक्स तो उसको करंट ईयर में यह स्कीम मिलेगी और करंट ईयर में उसको यहां पर कितने तक तो बेटा यहां पर ओके फिफ्टी लैक्स तक एग्रीगेट टर्न ओवर फिफ्टी लैक्स तक यह स्कीम मिलेगी पे तो वो स्टेट वाइज ही करेगा एग्रीगेट टर्न ओवर फिफ्टी लैक्स ओके जीएसटी इज पेबल एट क्या सिक्स परसेंट तो यहां जीएसटी पेबल पेबल सी जी एस टी थ्री परसेंट एंड एस जी एस टी भी बेहतर थ्री परसेंट और जैसे ही करंट ईयर में फिफ्टी लैक्स आपका क्रॉस हो जाएगा यहां लैप्स हो जाएगी और इसके बाद में जीएसटी इज पेबल एट नॉर्मल रेट जीएसटी इज पेबल एट नॉर्मल रेट एट नॉर्मल रेट तो वहाँ जीएसटी आपको नॉर्मल रेट से देना पड़ेगा आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे केस में था प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्न और पचास लाख से नीचे होगा तो करंट ईयर में आपको ये कंपोजिशन की मिल जाएगी ओके तीन परसेंट प्लस तीन परसेंट लेकिन पचास लाख तक ही मिलेगी जैसे आपका पचास लाख क्रॉस हो जाता है उसके बाद आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा तो ये था यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम अंडर टेन टू है बाकी सभी लॉजिक जो मैंने सेक्शन टेन में पढ़ा है वही अप्लीकेबल हो गए सिर्फ यहाँ डिफरेंस क्या आया वहाँ वन फिफ्टी लैक्स या सेवेंटी फाइव लैक्स तो यहाँ सबके लिए पचास लाख वहाँ स्पेसिफिक तीन लोगों को स्कीम है तो यहाँ सभी लोगों को है प्री सर्विस प्रोवाइडर लेकिन यहाँ पे बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ रेट वन परसेंट फाइव परसेंट वन परसेंट है तो यहाँ रेट सिक्स परसेंट है अगर यहाँ कोई ट्रेडर अप्लाई कर रहा होगा तो वो टर्न ओवर इन स्टेट का देगा मतलब जो टैक्सेबल एग्जाम टो नील रेट है सबका वो यहाँ पे यहाँ सिक्स परसेंट देगा तो ये यह स्कीम यहाँ पर रहेगी कंडीशन क्या क्या कंडीशन है हाँ जो भी बंदा ये स्कीम के लिए ऑप कर रहा है उसका क्या कंडीशन है Okay, he is not engaged in making supply of goods or services which are not leviable to tax. Not leviable to tax, means non-taxable supply. नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो नहीं कर रहा है तो बेटा कंडीशन सेम जो टेन टू में हमने देखी थी वही कंडीशन यहाँ पे कि यहाँ पे भी अगर कोई बंदा स्कीम के लिए ऑफ कर रहा होगा तो उसने पूरे इंडिया में भी कहीं पे भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए ही इज़ नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस अब देखो यहाँ पे ओके सेक्शन टेन की स्कीम में वो सिर्फ गुड्स का आउटवर्ट सप्लाई नहीं कर सकता है मतलब अगर आप सेक्शन टेन के स्कीम में हो, तो आप गुड्स का आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हो बाकी सर्विसेज का विद इन परमिशिबल लिमिट कर सकते हो लेकिन अगर आप ये स्कीम ले रहे होगे पचास लाख रुपए वाली तो ना गुड्स का कर सकते हो ना सर्विस का कर सकते हो तो थोड़ा इसको अलग ढंग से समझाता हो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप विद इन महाराष्ट्र सर्विस दे रहे हो इन स्टेट सर्विस दे रहे हो तो ही मिलेगी अगर आप अदर स्टेट में दे रहे होगे तो नहीं मिलेगी अगर आप सर्विस के साथ गुड्स दे रहे होगे तो सेम स्टेट में दे रहे होगे तो ही मिलेगी आप गुड्स भी अदर इसमें नहीं दे सकते तो एक डिफरेंस बताओ टेन वन की स्कीम में सिर्फ गुड्स को रोका है तो यहाँ तो अगर ये स्कीम में आते हो तो गुड्स एज वेल एज सर्विस को दोनों को रोका है ना गुड्स दे सकते हो ना सर्विसेज मैन्युफैक्चरर ट्रेडर होगा तो ना गुड्स दे सकते हो ना सर्विसेस कुछ भी वो इंटरस्टेट नहीं कर सकते नेक्स्ट वो ईसीओ सप्लाई नहीं कर सकते गुड्स और सर्विस दोनों का ईसीओ सप्लाई नहीं कर सकते जो यहाँ पे टीसीएस काटने वाला है जो जो ई टीसीएस ओ आपका काटने वाले है उनके थ्रू आप सप्लाई नहीं कर सकते और उसके बाद में अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और ये नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी नोटिफाइड गुड्स वही बेटा आइसक्रीम एंड आइस पान मसाला पान मसाला एरिएटेड वाटर और ऑल गुड्स मतलब यहाँ पे ये जो है ओके okay, ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं है मतलब यहां पे अगर वो सर्विस प्रोवाइडर होगा ट्रेडर होगा या रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो वहां पे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी दैट इज रिस्ट्रिक्शन नॉट अप्लीकेबल टू नॉट अप्लीकेबल टू किसको अप्लीकेबल नहीं होगा यहां पे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर या फिर ट्रेडर या फिर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग एक्सेट्रा जो ये स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं दे कैन ऑप्ट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी दे कैन ऑफ फॉर कंपोजिशन लेवी वो कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं <coughs> आप मेरी बात समझ रहे हो तो बेटा यहाँ यहाँ पे पे ध्यान से सुनो, ये जो है, ये जो जो है, रिस्ट्रिक्शन दिया ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को दिया है ये स्कीम में भी तो मतलब बाकी लोग ये स्कीम ये रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं उन्हें बाकी में कोई दिक्कत नहीं जाएगी इज इट क्लियर ओके तो सर्विस प्रोवाइडर ट्रेडर रेस्टोरेंट कैटरिंग को ही यह रिस्ट्रिक्शन है और लास्ट ही इज नॉट अ सी टी एनआरटीपी सेम कंडीशन वो सी टी पी और एनआर नहीं होनी चाहिए यानी सर्विस प्रोवाइडर सी एनआरटीपी नहीं होनी चाहिए या अदर कोई ले रहा है तो वो सी एनआरटीपी नहीं होनी चाहिए तो अगर आप देखोगे तो टेन टू की कंडीशन और ये कंडीशन एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट पहली कंडीशन कम ऑन एक्सेप्ट पहली कंडीशन दोनों कंडीशन एग्जैक्टली सेम है पहली कंडीशन क्या थी टेन टू में आप सर्विस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकते पर यहां पे वो कंडीशन नहीं है और यहां डालेंगे भी कैसे वो कंडीशन बेटा मुझे बताओ यहाँ डालेंगे भी कैसे वो कंडीशन क्योंकि अगर इन्होंने ये डाल दिया कि आप सर्विस नहीं दे सकते तो ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्ट ही पर हो जाएगा क्योंकि ये स्कीम ही लाई गई सर्विस प्रोवाइडर के लिए या वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के लिए जो एक लिमिट से ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं 10% से ज़्यादा सर्विस 10% या 5 लाख उससे ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है तो वो कंडीशन छोड़ के बाकी कंडीशन एग्जैक्टली सेम है बस वहां है कि टेन टू के केस में इंटरस्टेट के लिए सिर्फ गुड्स को रिस्ट्रिक्शन है या गुड्स प्लस सर्विस को रिस्ट्रिक्शन है वहां एसीओ में सिर्फ गुड्स को रिस्ट्रिक्शन है तो यहां गुड्स प्लस सर्विस दोनों को रिस्ट्रिक्शन है आई होप यू अंडरस्टूड तो ये था कंडीशन अंडर टेन टू ए ठीक है तो हमने टेन टू ए देखा लगभग लग स्कीम वैसी है डिफरेंसेस मैंने आपके सामने रखे ओके क्या डिफरेंसेस है उसके बाद में नेक्स्ट चलो आते हैं यहां पे प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पैन इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट द रजिस्टर्ड पर्सन शाल नॉट बी एलिजिबल टू ऑफ स्कीम अंडर टेन टू अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन वन एक्जैक्टली सेम कंडीशन अगर मिलेगी तो सबको मिलेगी कम्पोजिशन स्कीम नहीं तो इंडिव्यूजल नहीं मिलेगी कोई इंडिविजुअल पर्सन ये कम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता मिलेगी तो सबको मिलेगी तो है तो पूरी कायनात है और तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो जो टेन वन की रिस्ट्रिक्शन था प्रोविजों के थ्रू वही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है यानी अगर आप पचास लाख वाली स्कीम लेनी है तो आप ऐसी इंडिव्यूजल ब्रांचेस वाइज नहीं ले सकते ये स्कीम भी आप ओके okay, जहाँ तक देखा जाए तो लोगे तो जितने भी आपके रजिस्टर्ड ब्रांचेस है सबके लिए लोगे अदरवाइज आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते तो चलो एक तरह का आपका रिविजन भी हो रहा है बेटा यहाँ पर ओके okay, चलिए यहाँ तक तो हमने टेन वन टेन टू टेन थ्री सॉरी टेन टू ए टेन थ्री इतने सेक्शंस देख लिए अब आगे के सेक्शन कॉमन दोनों स्कीम के लिए टेन फोर 104 क्या कहता है देखो टैक्सेबल पर्सन टू whom the provision of sub-section 1 मतलब 101 की स्कीम और 2a 102a की स्कीम अप्लाई शाल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम मतलब आप जो कंपोजिशन टैक्स लगा रहे हो 1% 5% या 6% ये आप टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं करोगे ये 104 कहता है कस्टमर से कलेक्ट नहीं करोगे एज़ वेल एज़ आप ये स्कीम के तहत कोई आईटीसी भी नहीं ले पाओगे रिवर्स चार्ज का जो आप टैक्स दे रहे हो रिवर्स चार्ज के अंदर जो आप टैक्स दे रहे हो उसका भी आईटीसी आप नहीं ले पाओगे उसका भी आईटीसी नहीं ले पाओगे बात को समझ रहे हो आप तो ऐसे सिचुएशन में देखिएगा कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है ध्यान से सुनो ये कंपोजिशन स्कीम दोनों स्कीम टेन वन की स्कीम और टेन टू ए की स्कीम दोनों में आप टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते या फिर आप आईटीसी नहीं ले सकते उसके बाद में रिकवरी एंड पेनॉल्टी टेन फाइव देखो ए प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट टैक्सेबल पर्सन हैज पेड द टैक्स अंडर सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू है एज द केस में भी, डिस्पाइट डिस्पाइट नॉट नॉट सच पर्सन शाल इन एडिशन टू एनी टैक्स दैट पेबल बाय हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लाइबल टू पेनोल्टी उसके ऊपर पेनोल्टी लगाई जाएगी एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवेंटी थ्री सेवन शाल अप्लाई मोटाटिस मतलब क्या मतलब ये कि अगर आप किसी रीजन के वजह से कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं थे क्यों क्योंकि आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करने कर दिया था उसके बाद भी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर रहे हो या फिर परमिशिबल लिमिट से ज़्यादा सर्विस देने के बाद भी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर रहे हो ई के थ्रू सप्लाई कर रहे हो और कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर रहे हो इन सिंपल वर्ड किसी रीजन की वजह से आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई थी पर आप कंपोजिशन में ही टैक्स दे रहे हो तो ऐसे केस में बेटा आई रिपीट ऐसे केस में बेटा ओके okay, आपका जो भी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो तो लिया ही जाएगा प्लस आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और आगे मैं ओके okay, सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर पढ़ाऊंगा तो सेवेंटी थ्री सेवनटी फोर के तहत आपके अगेंस्ट में सीवियर एक्शन भी लिया जाएगा आपके अगेंस्ट में सिवियर एक्शन भी लिया जाएगा ठीक है फॉर टैक्स एंड पेनोल्टी तो ये था टेन फाइव अब नीचे दो दिए गए दोनों एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सप्लेनेशन अपलीकेबल टू हाँ ये दोनों एक्सप्लेनेशन अप्लीकेबल टू तो, टेन वन एंड टेन टू ए स्कीम यानी दिस एक्सप्लेनेशन अप्लीकेबल टू तो, अप्लीकेबल टू तो, सेक्शन टेन वन एंड टेन टू ए दोनों को अप्लीकेबल हो गया चलिए ये एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं मैं पहले रीड कर लेता हूँ फिर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्न ओवर जब आप एग्रीगेट टर्न ओवर दोनों स्कीम के तहत निकाल रहे हो और पर्सन डिटरमाइनिंग हिस्स एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन एग्रीगेट टर्न ओवर शाल इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू डेट वेन ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 1st April up to date when he become liable for registration under this Act but shall not includes huh, but shall not includes value of exempt supply of service provided by extending deposit loan or advances insofar as consideration is represented by interest or discount second explanation two, for the purpose of determining tax payable under this section expression turnover in state यूनियन टेरिटरी शाल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अंशियल ईयर फर्स्ट डे ऑफ अप्रिल ऑफियल पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट एंड एग्जम सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट ओके डिपॉजिट लोन एडवांस इन सो फार एस कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट ठीक है अंडरलाइन के अलावा आपको कुछ नहीं समझा होगा ठीक है इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं कि इसका मीनिंग क्या होगा चलो बेटा ये क्या कहते हैं समझ लो जब आप एग्रीगेट टर्न ओवर निकालोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्न ओवर आप जब एग्रीगेट टर्न ओवर निकालोगे केस वन केस वन जब आप एग्रीगेट टर्न ओवर निकालोगे तो एग्रीगेट टर्न ओवर हम प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फल ईयर ठीक है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर ये दो पर्पज के लिए हम एग्रीगेट टर्न ओवर निकालते हैं एग्रीगेट टर्न ओवर हम क्यों लेते हैं कोई भी स्कीम में टेन वन की स्कीम हो या टेन टू ए की स्कीम हो हम एग्रीगेट टर्न ओवर क्यों लेते हैं एग्रीगेट टर्न ओवर की पिछले साल का एग्रीगेट टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड्स ओके पिछले साल का एग्रीगेट टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड्स क्या 1.5 फिफ्टी या 50 पॉइंट 1.5 आर या 50 लैक्स तो करंट ईयर में कंपोजिशनिजिबल होगी तो ऐसे ऐसे हूं okay, में, अब जब आप प्रिवियस ले रहे हो सुनिये ध्यान से प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्न ले रहे हो लेकिन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका हा ध्यान से देखना प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्न बेटा यहाँ आप पहले ट्वेंटी लाख तक मैं थ्रेशोल्ड अज्यूम कर रहा हूं ट्वेंटी लाख तो पहले ट्वेंटी लाख तक आप थ्रेशोल्ड में थे थ्रेशोल्ड में थे और बाद में टर्न टर्नओवर हुआ यहाँ पे अज्यूम करो लाख बाद में आपका टर्न हुआ एटी लाख और ये जो एटी लाख टर्न था यह आपका टैक्सेबल टर्न था तो जब आपका प्रेसिडिंग फिनेंशियल का एग्रीगेट टर्न लिया जाएगा तो जो फर्स्ट अप्रैल से टिल यू लैबल फॉर रजिस्ट्रेशन पिछले साल का जब एग्रीगेट टर्न लिया जाएगा तो फर्स्ट अप्रैल से टिल यू लैबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्या ये दोनों इंक्लूड किया जाएगा यस yes, ये दोनों इंक्लूड किया जाएगा बेटा तो यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड वाला है ये भी इंक्लूड किया जाएगा और दोनों मिला के <coughs> आपका हंड्रेड लैक्स है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी 20 प्लस 80 ये दोनों लिया जाएगा यानी फर्स्ट पिछले साल आप पहले 20 लैक्स में थ्रेशोल्ड में थे फर्स्ट अप्रैल से टिल यू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो कंसीडर होगा तो यहां पे एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ये आप समझ रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे दूसरा सेम सेम प्रिंसिपल पचास लाख के लिए अगर ये टेन टू ए वाला है तो पहले बीस लाख प्लस एक्स्ट्रा जो है समझ लो एक्स्ट्रा और दस लाख हुआ तो ऐसे बीस प्लस दस तीस लाख एग्रीगेट टर्न और हो गया तो उसे कंपोजिशंस की मिल जाएगी नाउ केस टू लेता हूं यहां पर हम केस टू लेते हैं ठीक है चलो केस टू लेते हैं केस टू केस टू में क्या है बेटा केस टू में यहां अब प्रीवियस ईयर की बात नहीं करेंगे प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर देखो प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्न ओवर आप थ्रेश में थे अनरजिस्टर्ड थे ओके okay, अनरजिस्टर्ड थे प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ठीक है दस लाख आपका टर्न था

टर्न और पहले ट्वेंटी लाख तक आपने थ्रेशोल्ड या करंट ईयर में थ्रेश होल्ड लिया करंट ईयर में थ्रेश होल्ड या सुनना उसके बाद में आपका टर्न ओवर हुआ और वो उसके बाद का टर्न ओवर आपका सिक्सटी लाख हुआ तो अब यहां मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नौ आपके करंट फिनेंशियल ईयर में आ, जब अब करंट ईयर फिनेंशियल ईयर में आपको एग्रीगेट टर्न देखना है जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्न क्रॉस हो जाएगा कितना 150 फिफ्टी लैक्स समझ ओके अप्रैल मे का अप्रैल का आपका 20 लैक्स था मे का 60 लैक्स था और जून का यहां पे लेते हैं टर्न आपका जून का टर्न में ले लेता हूं 60 प्लस ट्वेंटी एटी एटी और सेवेंटी जून का टर्न ओवर सेवेंटी लैक्स था 70 लैक्स था तो अब अगर आप एग्रीगेट टर्न ओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्न ओवर के लिए आपको ट्वेंटी लैक्स प्लस सिक्सटी लैक्स प्लस सेवेंटी लैक्स यानी वन फिफ्टी लैक्स आपका क्रॉस हो गया जब आप एग्रीगेट टर्न ओवर लोगे तो ये इंक्लूड करोगे ये आप फर्स्ट अप्रैल से टिल यू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन जब तक आप थ्रेश में हो वो इंक्लूड करोगे वो इंक्लूड करोगे फॉर कैलकुलेटिंग ओके एग्रीगेट टर्न ऑफ वन फिफ्टी लैक्स इन करेंट फाइनेंशियल ईयर क्योंकि जैसे ही आपका वन फिफ्टी लैक्स वॉस हो जाएगा ओके okay, ये स्कीम लैप्स हो जाएगी थोड़ा इसको और सिंपल वे में मैं समझा देता हूं मेरे पास एक क्लाइंट आया क्लाइंट का बीस लाख हो चुका था रजिस्ट्रेशन के लिए आया अब रजिस्ट्रेशन के लिए आया तो उसने कहा कि सर, मैंने सुना मिलेगी हाँ, कंपोजिशन स्कीम तो सर मुझे अब लेना है तो, बिल्कुल मिल जाएगी को की तो सर मुझे क्या ऐसा होगा कि ट्वेंटी थ्रेश के प्लस डेढ़ करोड़ एक्स्ट्रा यानी वन तक मिलेगी क्या क्या निकले वन सेवनटी तक क्यों मिलेगी तुझे तो जो तुझे वन दिया है वो ये 20 लाख इंक्लूड करके दिया है एग्रीगेट टर्न ओवर निकालने के लिए 20 लाख इंक्लूड करके दिया है तो जब तुझे एग्रीगेट निकालना है तो 20 तो तेरे थ्रेशोल्ड में चले गए अब बचे कितने 130 अब 130 अब एक्स्ट्रा पे तू लेवी ले सकता है कंपोजिशन लेवी ले सकता है लेकिन लेकिन बेटा टर्न ओवर इन स्टेट अगर निकालोगे ध्यान से देखिएगा टर्न ओवर इन स्टेट निकालोगे तो टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी यूटी में ये ट्वेंटी लैक्स ,00 नहीं कंसीडर करोगे आप सिर्फ सिक्सटी लैक्स प्लस सेवेंटी लैक्स ओके यानी टोटल कितने हो गए सिक्सटी प्लस सेवेंटी यहां पे वन थर्टी लैक्स तो ये वन थर्टी लैक्स ही कंसीडर करोगे और जीएसटी आप जीएसटी एट द रेट वन परसेंट जो होगा वो वन थर्टी लैक्स का ही दोगे तो वन थर्टी लैक्स का ही आप जीएसटी दोगे यानी जीएसटी क्योंकि टर्न ओवर इन स्टेट आपको पेमेंट के लिए लिया जाता है कम ऑन टर्न ओवर स्टेट आपका पेमेंट के लिए लिया जाता है तो जब आप टैक्स पेमेंट के लिए टर्न ओवर इन स्टेट लोगे स्टेट वाइज तो आप जो थ्रेशोल्ड में थे वो थ्रेशोल्ड कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो जो आप थ्रेशोल में थे उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा अरे ये तो अनजस्टिस हो जाएगा ना मेरे साथ भाई थ्रेशोल में था उस पर नहीं दूंगा हाँ जो एक्स्ट्रा होगा उस पर मैं टैक्स दूंगा वन परसेंट फाइव परसेंट या सिक्स परसेंट जो भी है सेम प्रिंसिपल पचास लाख के लिए है कि जो ऊपर का होगा उस पर ही आप टैक्स दोगे आई बात समझ में तो एक बार फिर से जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो थ्रेशोल्ड वाला यानी जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तब तक का टर्न ओवर कंसिडर किया जाएगा टर्न लेकिन, यहां पे टर्न इन स्टेट में, वो जो, जो थ्रेशोल्ड में या रजिस्ट्रेशन के पहले तक जो टर्न ओवर हुआ वो कंसिडर नहीं होगा उसके बाद का ही अमाउंट पर आप जीएसटी दोगे लॉजिकली सही भी लगता है और दोनों टर्न ओवर कैलकुलेट करते वक्त दोनों टर्न और कैलकुलेट करते वक्त एग्रीगेट टर्न और कैलकुलेट करते वक्त और टर्न और इन स्टेट कैलकुलेट करते वक्त जो इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट वो आप कंसिडर नहीं करोगे ओके इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब क्या मतलब बेटा यहाँ पे कि जब आप पिछले साल का एग्रीगेट टर्न लोगे तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्न में इंटरेस्ट कुछ कमाया होगा लोन एडवांस डिपॉजिट का तो वो एक्सक्लूड कर दो या डिस्काउंटिंग अमाउंट बिल डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्शन डिस्काउंटिंग तो वो अमाउंट एक्सक्लूड कर दो एग्रीगेट टर्न और टर्न और इंस्टेट टर्न और इंस्टेट हम करंट ईयर के लिए लेते हैं तो टर्न ओवर इंस्टेट हम करंट ईयर के लिए जो लेते हैं उस पर भी जब आप वन सिक्स परसेंट का टैक्स दोगे तो इंटरेस्ट को छोड़ के इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होगा और एग्रीगेट इन में भी वो होगा, नहीं होगा। नहीं, एक लाइन में कहो क्या इंटरेस्ट कहीं पे भी कंसिडर मत करना छोड़ ही देना उसको छोड़ के बाकी सब कैलकुलेशन करना चलो इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पेज पर मैंने एनालिसिस लिया है आ जाओ स्पेशल डिस्कशन ऑन एक्सप्लेशन वन एंड टू हम एग्रीगेट टर्न ओवर और टर्न ओवर इन स्टेट कब कब लेते हैं हम एग्रीगेट टर्न ओवर जो है दोनों स्कीम में फिर वो टेन वन की स्कीम हो और टेन टू की स्कीम हो हम प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर दोनों में कंसीडर करते हैं प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसलिए कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि एलिजिबिलिटी फिक्स करने के लिए और करंट फाइनेंशियल ईयर में इसलिए कंसीडर करते हैं क्यों क्योंकि उतने लिमिट तक आपको कंपोजिशन स्कीम मिलती है बाद में तो लैप्स हो जाती है टर्न इन स्टेट हम क्यों कंसिडर करते हैं टर्न इन स्टेट हम जो है टैक्स पेमेंट के लिए कंसिडर करते हैं हाँ, और प्रोविजो टू की स्कीम के लिए लेते हैं प्रोविजो टू में तो पहले देख लिया प्रोविजो टू की स्कीम में एक बार फिर से प्रोविजो टू की जो स्कीम है ओके टेन परसेंट तो उसमें तो हमने पहले एक्सप्लेनेशन देख लिया कि इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना है ठीक है तो हम टर्न इन स्टेट पूरे कंपोजिशन नहीं में दो जगह यूज करते हैं एक करंट ईयर का टैक्स देने के लिए और प्रीवियस ईयर का कर टर्न इन स्टेट इसलिए लेते हैं क्योंकि टेन परसेंट वाला वो लिमिट पांच लाख या टेन परसेंट वो निकालने के लिए कंसीडर करते हैं दस एग्रीगेट टर्न ओवर शाल इंक्लूड सप्लाई मेड फ्रॉम वन फोर एंड अप्रिल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट वेन यू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ओके एग्रीगेट टर्न निकालोगे तो फर्स्ट अप्रैल से लेके जब तक वो रजिस्ट्रेशन लेता है वो भी टर्न ओवर कंसिडर करोगे लेकिन एक बार एग्रीगेट टर्न ओवर निकल गया तो फिर आप पिक्चर में आता है टर्न ओवर इन स्टेट तो टर्न ओवर इन स्टेट जैसे ही आप थ्रेशोल्ड के बाहर आ गए फिर अब जो आप टैक्स दोगे कंपोजिशन स्कीम पे वो सिर्फ आगे का जो टर्न ओवर होगा थ्रेशोल्ड छोड़ के रजिस्ट्रेशन की डेट तक का छोड़ के आगे का जो होगा उस पर ही आप टैक्स दोगे चलो लेट्स ट्राई टू एक्साम्पल ट्राई टू अंडस्टैंड विद्पइंग एग्जाम्पल दिस कैन भी अंडस्टैंड विद्जाम्प मैनुफेक्चर या ट्रेडर है ऑफ्टिंग फॉर दीम अंडर सेक्शन टेन वन टेन वन की स्कीम के लिए वो ऑफ्ट कर रहा है एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पंद्रह लाख है एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर पच्चीस लाख है रजिस्ट्रेशन डन इन करंट फाइनेंशियल ईयर रजिस्ट्रेशन करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया एज देश क्रॉस अज्यूम थ्रेशल ट्वेंटी लैक्स आपका थ्रेश होल्ड अज्यूम करते ट्वेंटी लैक्स है अगर आपका थ्रेशोल्ड ट्वेंटी लैक्स है तो क्या करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी यस yes, क्या ऑप्शन लैप्स हुआ नहीं और टर्न इन स्टेट तो अब एग्रीगेट टर्न में तो आपका थ्रेशोल्ड लिया ही जाएगा मतलब एग्रीगेट टर्न आपका 25 लाख हो गया लेकिन आप जो टैक्स दोगे टैक्स के लिए 20 लाख कंसीडर नहीं होगे यानी 5 लाख का 1 परसेंट इतना ही आप टैक्स दोगे 5000 दूसरा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख था पच्चीस लाख ,00 का टर्न हुआ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन डन वेन एग्रीगेट टर्न ओवर इन फाइनेंशियल ईयर थ्री लैक्स ये, ,00 ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या हुआ था करंट ईयर में तीन लाख ,00 पे ही मैंने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया था सुनो मेरी बात करंट ईयर में तीन लाख ,00 तक ही मैंने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया था यानी तीन लाख के बाद मैं टैक्स देना चाहता था तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्न ओवर तो पच्चीस लाख ही होगा लेकिन आपका टर्न ओवर इन स्टेट फर्स्ट अप्रैल से टिल यू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन याने यहां पे तीन लाख को छोड़ दिया जाएगा बाकी बाईस लाख पे क्योंकि बाईस तीन लाख के बाद आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया था तो बाईस लाख का वन परसेंट ओके आपको टैक्स देना पड़ेगा ये समझ में आया तो दो केस ली एक तो थ्रेशोल्ड के बाद का रजिस्ट्रेशन एक वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन सिंपल वर्ड में क्या जैसे ही रजिस्ट्रेशन ले लिया उसके बाद के टर्न पे आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और उतने अमाउंट पे आपको इन स्टेट के बेस पे टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन एग्रीगेट टर्न ओवर कैलकुलेट करते वक्त वो जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाला पीरियड है उसका टर्न ओवर भी कंसिडर करना पड़ेगा नेक्स्ट पिछले साल पच्चीस लाख हुआ करंट ईयर में 25 लाख हुआ रजिस्ट्रेशन डन इन प्रेसिंग फाइनेंशियल ईयर एज थ्रेश क्रॉस हाँ रजिस्ट्रेशन हमने फाइनेंशियल ईयर में ले लिया था अब रजिस्ट्रेशन अगर हमने प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में ले लिया था मतलब ये साल हम फर्स्ट अप्रैल से रजिस्टर्ड थे ये साल हम अगर फर्स्ट अप्रैल से रजिस्टर्ड थे तो फिर पूरे पच्चीस लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा वो आपका टर्न स्टेट माना जाएगा पूरे पच्चीस लाख पे टैक्स देना पड़ेगा वन क्योंकि इस बार आपका थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं था उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा लास्ट ईयर में मेरा एक एक फिफ्टी वन लैक्स था तो ऐसे केस में सवाल ही नहीं आता है करंट फिनेंशियल ईयर में मुझे कंपोजिशन स्कीम ही नहीं मिलेगी नेक्स्ट पिछले साल मेरा फिफ्टीन लैक्स था अब करंट ईयर में वन फोर टू थाउजेंड टू ट्वेंटी एट एट टू थाउजेंड ट्वेंटी लैक्स हुआ थ्रेशोल में रहा यानी मैं थ्रेश में रहा ठीक है फिर आगे मेरा 1.3 सीआर हुआ 13 जनवरी तक और 14 जनवरी से मेरा 11 लैक ,00 हुआ तो मेरे एग्रीगेट टर्न ओवर में तीनों भी कंसिडर हो गए यानी मेरी स्कीम यही लैप्स हो जाएगी फिर 14 तारीख से मुझे नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा क्यों क्यों लैप्स हो जाएगी तो यहां मेरा दोनों का मिला के वन खत्म हो रहा है तो एग्रीगेट हो तो यहां लैप्स हो जाएगी लेकिन मुझे जो टैक्स देना है टोटल पे देना है या ओनली जो स्कीम में देना है वो मुझे सिर्फ ओके करोड़ थर्टी लैक्स पे टैक्स देना है और वह लैख थर्टी थाउजेंड वन परसेंट वन लाख थर्टी थाउजेंड यह मुझे वन परसेंट का ही टैक्स यहां देना पड़ेगा ये आप समझ रहे हो और इलेवन लैक्स का मुझे नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा ये इलेवन लैक्स का मुझे नॉर्मल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ओके okay, यानी मैं कंपोजिशन स्कीम में मैं कंपोजिशन स्कीम में वन करोड़ थर्टी लैक्स का दूंगा और इलेवन लैक्स का नॉर्मल टैक्स दूंगा अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट केस है अच्छा केस है प्रीवियस ईयर में, में मेरा टर्न ओवर था वन करोड़ फिफ्टी वन लैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट्स अमाउंटिंग एलेवन लैक्स ओ हो प्रीवियस ईयर में मेरा टर्न ओवर वन करोड़ फिफ्टी वन लैक्स मेरी तो कंपोजिशन स्कीम गई नहीं गई नहीं गई जब प्रीवियस ईयर का आप एग्रीगेट टर्न ओवर ले रहे हो प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्न ले रहे हो तो आप आपको इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड किया तो मेरा टर्न ओवर प्रोसेडिंग फाइनेंशियल ईयर का वन करोड़ फोर्टी वन लैक्स आएगा मुझे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कंपोजिशन स्कीम मेरी लैप्स नहीं होगी हाँ करंट ईयर में मेरा टर्न ओवर है एक करोड़ चालीस लाख जिसमें इंटरेस्ट है सोलह लाख तो करंट ईयर स्टार्ट टर्न ओवर इन स्टेट भी कैलकुलेट करते वक्त इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा यानी आपको वन करोड़ ट्वेंटी फोर लैक्स पे आई रिपीट वन करोड़ ट्वेंटी फोर लैक्स पे ही आप टैक्स दोगे वन परसेंट तो इंटरेस्ट एलिमेंट एग्रीगेट टर्न ओवर से भी एक्सक्लूड होगा एग्रीगेट टर्न ओवर से भी एक्सक्लूड होगा तो करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्न ओवर से एक्सक्लूड होगा यानी आपका करंट ईयर का एग्रीगेट टर्न ओवर वन करोड़ फोर्टी वन आपका करंट ईयर का एग्रीगेट टर्न ओवर वन करोड़ फोर्टी लैक्स में से सोलह लाख एक्सक्लूड होगा और प्रीवियस ईयर में भी एक्सक्लूड होगा प्रीवियस ईयर में, में मेरा वन करोड़ फोर्टी वन लैक्स हुआ इसलिए कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी उसके बाद में मैं जब टैक्स दूंगा तो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके दूंगा इन सिंपल वर्ड इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग अमाउंट आपको एक्सक्लूड करके डिसाइड करना है हाँ एक्सक्लूड करके डिसाइड करना है कि आपका टर्न कितना हुआ ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्न और स्पेशल डिस्कशन ऑन एक्सप्लेनेशन वन एंड एक्सप्लेनेशन टू ठीक है तो यहां टेन टू ए की भी स्कीम खत्म होती है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर कि कंपोजिशन स्कीम की प्रोसीजर क्या होती है चलो चलिए अब देखते हैं फटाफट प्रोसीजर प्रोसीजर अंडर सी जी एस टी रूल टू थाउजेंड सेवेंटीन इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन डेट ठीक है रूल थ्री इंटीमेशन पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ठीक है तो, तो यहां तो आप समझ लो बेटा अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो थ्रेशोल्ड के बाद तो कंपोजिशन स्कीम का इंटीमेशन आपको कब देना पड़ता है इंटीमेशन तो देना पड़ता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम एक अप्रैल से पहली बार ले रहा हूं फाइनेंशियल ईयर के लिए तो अगर आप

कि समझ लो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आर ई जीरो वन उसमें पार्ट बी में ही ऑप्शन रहता है फॉर कंपोजिशन ले भी तो वहाँ टिक कर देना वहाँ अगर टिक कर दिया मतलब आप रजिस्टर रजिस्टर होते ही कंपोजिशन में जाना चाहते हो आपने इंटीमेशन दे दिया ये मान लिया जाएगा आई रिपीट आपने इंटीमेशन दे दिया ये मान लिया जाएगा ठीक है और आपको कंपोजिशन लेवी उस दिन से इफेक्टिव होगी जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है ओके okay, जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है इंटीमेशन ईयर में रजिस्ट्रेशन ले लिया है पर इस साल आपको लेवी लेनी है क्यों क्योंकि प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपका एग्रीगेट टर्न और वन फिफ्टी लैख से कम है या सेवेंटी फाइव लैख से कम है या फिफ्टी लैक्स से कम है तो देखो और रजिस्टर हो ऑप टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम शैल इलेक्ट्रॉनिकली हा आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म सी एम पी जीरो टू ऑन कॉमन पोर्टल प्रायर टू ही कमेंस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विस सेड ऑप्शन इज एक्सरसाइज मतलब क्या अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो और आने वाले फर्स्ट अप्रैल से आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही आपको कॉमन पोर्टल पे जाके इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर्म सी एम पी जीरो टू में कि मेरा टर्न ओवर इतने लिमिट से कम है मैं ये साल से कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ और आपको उसमें आईटीसी की डिटेल्स आपका जो भी स्टॉक होगा आईटीसी की डिटेल्स देना पड़ेगा लेकिन मैं यह डिटेल में पढ़ाऊंगा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे डिस्कशन आईटीसी टी रिलेटेड अंडर सेक्शन 18 आईटीसी मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा आईटीसी में आगे पढ़ाऊंगा यह डिटेल डिस्कशन हम वहां करेंगे नेक्स्ट

एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस से दे दी समझ लो मेरे अलग अलग स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस है और मैं कॉमन पोर्टल पे महाराष्ट्र से इंटीमेशन दे रहा हूं कि मैं सभी जगह लेवी लेना चाहता हूं तो तो आपने अगर कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस से intimation दे दी तो आपको सभी अलग अलग स्टेट से इंटीमेशन देने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है ओके okay, वो डीम टू बी इंटीमेशन माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी इंटीमेशन केस ऑफ पर्सन ऑप्टिंग टू शिफ्ट कंपोजिशन लेवी ठीक है तो यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन लेवी में शिफ्ट होना चाहते हो इफेक्टिव डेट शैल बी वन फोर मैंने फर्स्ट अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सो ऑप्शन इज एक्सरसाइज हाँ नॉर्मली आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही इंटीमेशन देनी पड़ती है तो आपने अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले इंटीमेशन दे दी तो फर्स्ट अप्रैल आपकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव डेट शैल बी द डेट ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन आया वो आपकी इफेक्टिव डेट ली जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डिपेंड ऑन वेन अपलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वेर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज फाइल विद इन थर्टी डेज बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन सच केस इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देयर फॉर कंपोजिशन लिव शैल बी द डेट ऑफ वेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में करूँगा थोड़ा बहुत हो थो सकता है यहाँ ना समझे पर ठीक है मैं आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन आपको तीस दिन में करवाना पड़ता है और मतलब जिस दिन से लायबल हुए अब किस दिन से लायबल हुए बेटा जब आपका थ्रेशोल क्रॉस हुआ एज्यूम करो कि आज की दस तारीख है ओके टेंथ ऑफ तो यहाँ पे ऑगस्ट है तो टेंथ ऑफ तो ऑगस्ट जो है मेरा थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो टेंथ ऑफ अगस्त से तीस दिन में अंदर मुझे अप्लीकेशन करना पड़ेगा अगर मैं तीस दिन के अंदर अप्लीकेशन करता हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट वही समझा जाएगा जिस दिन मैं लायबल हुआ कब लायबल हुआ टेंथ अगस्त को तो मेरा रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट टेंथ अगस्त माना जाएगा तो मेरा कंपोजिशन लेवी का भी इफेक्टिव डेट टेंथ अगस्त माना जाएगा यानी मुझे कंपोजिशन लेवी लागू हो गई टेंथ अगस्त से ही माना जाएगा अगर मैं तीस दिन में अप्लाई कर देता हूं अगर मैं तीस दिन में अप्लाई नहीं करता हूं तीस दिन में अप्लाई नहीं करता हूं तो फिर वो केस में जिस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा मतलब मैंने तीस दिन के बाद अप्लाई किया मतलब जब मैं लाइबल हुआ मेरा थ्रेशोल क्रॉस हुआ तीस दिन हो गए और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो वो सिचुएशन में जिस दिन मुझे आर आएगी वो मेरी रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी तो कंपोजिशन लेवी भी तब से अप्लाई होगी बी केयरफुल कंपोजिशन लेवी भी तब से अप्लाई होगी तो बेटा डिटेल डिस्कशन हम इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आगे करेगी आई चैप्टर में आगे करेगी ज इट क्लियर अभी यही रोकता हो अभी डीप में नहीं जाता हो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आगे देखेंगे उसके बाद में रूल सिक्स वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी ये देख लो कंपोजिशन लेवी कब तक कंटिन्यू रहेगी वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी विल बी कंटिन्यूड टू फुलफिल कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज रिक्वायर्ड अंडर टेन टू टेन टू ए एंड रूल फाइव जब तक आप टेन टू की सभी कंडीशन फुलफिल करते हो या टेन टू ए की सभी कंडीशन फुलफिल करते हो या फिर रूल फाइव की कंडीशन फुलफिल करते हो तब तक आपकी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी मतलब जब तक आप इंटरस्टेट आउटवेट सप्लाई नहीं करते हो सीओ सप्लाई नहीं करते हो सी टी रजिस्टर नहीं करते हो ओके या के अंदर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं देते हो तब तक वैलिड रहेगी पर जिस दिन आपकी परमिसिबल लिमिट खत्म होगी विद्रॉन इंटरस्टेट आउटवेट सप्लाई विद्रॉन ईसीओ सप्लाई विदड्रॉन ओके इमीजिएटली विद्रॉ हो जाएगी उसके बाद में वेर अ पर्सन सी टू फुलफिल द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज रिक्वायर टू बी अदर टू बाई कंपोजिशन टैक्स पे से तो एटीओ एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्न ओवर एटीओ का मतलब aggregate ठीक है एक्सिड थ्रेशोल्ड लिमिट और मेक्स इंटरेस्टेड सप्लाई शेल फाइल एन इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग आउट द स्कीम इन सी एम पी जीरो फोर विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डेट एंड शेल इश्यू टैक्स इन वॉइस हाँ अब देखो फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म अब देखो जैसे आपका करंट ईयर का लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाता है करंट ईयर का लिमिट मतलब कितना दिया आपको 1.5 पॉइंट फाइव सी आर सेवनटी या 50 लैक्स जैसे ही वो क्रॉस हो जाता है तो आपकी कंपोजिशंस किम विड्रॉ होगी आपकी कंपोजिशंस की विदड्रा होगी या फिर आपने टेन टू की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की और कंपोजिशन स्कीम विद्रॉ हो गई तो आपको खुद होकर इंटीमेशन देना पड़ेगा सात दिन के अंदर और जैसे ही वो आपकी स्कीम विड्रॉ होगी आपको टैक्स इनवाइस बनाना पड़ेगा ओके okay, आपको टैक्स इनवाइस नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा चलो ये था रूल सिक्स का सेकंड कंडीशन नेक्स्ट आते हैं अ पर्सन हु वांट टू ऑप्ट आउट स्कीम वॉलंट्रीली समझ लो ओके okay, आप सब कंडीशन फुलफिल कर रहे थे आपका टर्न ऑफ डेढ़ करोड़ या पचास लाख के नीचे था लेकिन आपको ये स्कीम छोड़ना है अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप ये स्कीम छोड़ कभी भी सकते हो यानी लेने के बाद आप कभी भी छोड़ सकते हो लेकिन वंस यू हैव लेव दैट स्कीम कंपोजिशन स्कीम तो सेम फिनेंशियल ईयर में वापस नहीं ले सकते एक बार ध्यान सुनना फर्स्ट अप्रैल में जो कंपोजिशन लेवी का स्कीम लिया वो आप छोड़ कभी भी सकते हो लेकिन एक बार छोड़ दिया तो सेम फिनेंशियल ईयर में वापस नहीं मिलेगा तो वॉलेंट्रीली आपको छोड़ना है पर सर कोई वॉलन्ट्रिली क्यों छोड़ेगा भाई मैं कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहा हो कोई गुड्स खरीद रहा हो मुझे आई टी सी लेने ये मेरे कस्टमर बदल गए कस्टमर पोर्टफोलियो बदल गया अब मेरे कस्टमर वो आ गए जिन्हें टैक्स इन्वॉयस चाहिए तो मेरा टर्न समझ लो पचास सात लाख ही हुआ पर मुझे छोड़ना चाहता हूँ इमीजिएट छोड़ सकता हूँ मैं इंटीमेशन दे दूंगा और इंटीमेशन देते मैं विड्रॉ कर लूँगा स्कीम इसके आगे मैं नॉर्मल टैक्स से टैक्स दूंगा और मैं उसका आई भी लूँगा इसके आगे जो परचेस करूंगा उसका आई भी मुझे मिलेगा तो मैं छोड़ कभी भी सकता हूँ फिनेंशियल ईयर में और मैं अपना नॉर्मल टैक्स अकॉर्डिंगली पे करूँगा चल मैंने एग्जाम्पल दिया है वह आप रीड कर सकते हो उसके बाद में सिक्स फोर सिक्स फाइव ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन टेन डिनाइड अपॉन एक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर ने अगर आपकी कंपोजिशन स्कीम विदड्रॉ कर ली क्यों क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की तो

उसके रिप्लाई नहीं हुआ तो ऑफिसर को ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन टेन सच डिनाइल मे बी फ्रॉम इनिशियल डेट वेयर द पर्सन वॉज इलिजिबल फॉर वेरी बिगिनिंग और फ्रॉम सच डेट वेन द कॉन्ट्रम इंड कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन हाँ अगर आपको स्कीम वो विद्रॉ कर रहा है आप इलिजिबल ही नहीं थे क्योंकि प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न जो है आपका ज़्यादा था या फिर आपने कोई कंडीशन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में फुलफिल नहीं की थी आपने प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर ईयर में इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई किया था तो आप इलिजिबल ही नहीं थे पर आपने ले लिया आपने ले लिया तो फर्स्ट डे से ही आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा और फर्स्ट डे से ही नॉर्मल टैक्स मांगा जाएगा या फिर आप एलिजिबल थे पर करंट ईयर में आपने इंटरस्टेट सप्लाई सप्लाई कर दिया उसके बाद में भी कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू रखी तो जिस दिन आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया या इसीओ नॉर्मल टैक्स लिया जाएगा ठीक है रिक्वायरमेंट आफ्टर ऑप्टिंग आउट ऑफ डिनाइल ऑफ सेक्शन टेन ये मैं सी से रिलेटेड है डिटेल डिस्कशन हम सेक्शन एटीन में करेंगे अंडर सेक्शन 18 ये सेक्शन 18 में पड़ा होगा अभी नहीं समझेगा आपको अंडर सेक्शन 18 डिटेल डिस्कशन हम 18 में देखेंगे और लास्ट सिक्स सेवन इंटीमेशन इन सीएम पी जीरो फोर फॉर एनी प्लेस ऑफ बिजनेस और ऑर्डर अंडर सीएम फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस शैल कॉन्स्ट्रूड एज ऑप्टिंग आउट ऑफ डिनाइल क्शन टेन वन फ्रॉम ऑल अदर प्लेस ऑफ बिजनेस अगर किसी भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस का का आपका स्कीम स्कीम गया 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 मतलब ही सबका किसी भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफिसर ने विद्रॉ किया तो सभी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी आपने स्कीम लिया होगा सबका गया ठीक है स्टूडेंट नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म्स एज मैंशन दे कैन राइट जस्ट प्रिस्क्राइब फॉर्म एग्जाम के लिए आपको सी एम पी जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर ऑर्डर सी एम पी जीरो सेवन ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है इन प्रिस्क्राइब फॉर्म भी लिख दिया तो भी चलेगा चलिए सी जी एस टी रूल्स हाँ रूल एलेवन में लिखा है पर्सन कैन रजिस्टर हिमसेल्फ टू पे टैक्स अंडर सेक्शन टेन और एज पर अंडर सेक्शन नाइन गया यार? he can opt for both different place of business hmm. registration जो है वो registration उसको अलग-अलग करना पड़ेगा हाँ ध्यान सुनना यहाँ उनका यह कहना है कि रजिस्ट्रेशन उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा लेकिन कंपोजिशन स्कीम तो सबकी कॉमन ही लेनी पड़ेगी पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त अलग अलग डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस का वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं रिटर्न कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न कैसे होगा आपका रिटर्न ओके okay, अब सहन सुनना कंपोजिशन स्कीम में स्टेटमेंट जाता है क्वार्टरली बेसिस पे सी एम में जिसकी ड्यू डेट होती है एटीन आफ्टर द फॉलोइंग क्वार्टर तो आपको जो स्टेटमेंट देना पड़ेगा अप्रैल टू जून का 18 जुलाई को जुलाई टू Jan, आपको रिटर्न क्वार्टरली नहीं देना स्टेटमेंट देना है 04 में. तो आपको एनुअल बेसिस पे देना है तो कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिटर्न एनुअल बेसिस पे देना है इन जीएसटी आर फोर और डेट है थर्टी अप्रैल फॉलोइंग फिर से कर दो पहले स्कीम को रिटर्न क्वार्टरली थे अब वो रिटर्न उन्होंने एनुअल कर दिया है और क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया है क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया है जो 18 तारीख को आपको देना है रिटर्न ईयरली बेसिस पे देना है जिसकी ड्यू डेट होगी ईयर 31 मार्च खत्म होने के बाद थर्टी अप्रैल यानी पूरा एक महीना आपको मिलेगा और तब तक जी एस का रिटर्न आपको देना है तो ये सी एम जीरो एट में क्वार्टरली स्टेटमेंट शैल बी सिंपल फॉर्म वेन इन कंपोजिशन टैक्स पे कैन डिक्लेयर हिस्स टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टिटी एंड डिस्चार्ज इज टैक्स लाइबिलिटी ये जो कॉटर क्वार्टरली स्टेटमेंट है इसमें बहुत ही सिंपल वे में कितना टर्न और हुआ हर स्टेट में अकॉर्डिंगली आपने कितना टैक्स दिया बस उतना ही डिक्लेरेशन देना है क्वार्टरली स्टेटमेंट में लेकिन जब रिटर्न दोगे तो रिटर्न में जो एनुअल बेसिस पे दिया जाएगा तो आपको इनवर्ट सप्लाई एज वेल एज आउटवर्ट सप्लाई दोनों की डिटेल देनी है अब देखो ध्यान से सुनना आप जब जो खरीद रहे हो उसका आपको इनवाइस वाइज डिटेल देना है रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो यानी किससे किससे खरीदा गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग का गुड्स व्हाइट ना हो जाए ब्लैक मार्केटिंग का गुड्स व्हाइट ना हो जाए तो जिससे जिससे खरीदा उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल आपको रिटर्न में देना है लेकिन जो आपने बेचा आउटवर्ड सप्लाई उसका इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं बस टोटल टर्न वाइज डिटेल देना पड़ेगा फिर से वही खरीदा उसका डिटेल पूरा जो बेचा उसका कंसोलिडेट डिटेल है तो जो बेचा उसका कंसोलिडेट डिटेल देना है ओके okay, टर्नओवर के बेसिस पे डिटेल देना है पर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड है कि खरीदा किससे किससे कहीं ब्लैक गुड्स व्हाइट तो नहीं कर रहे हो यहाँ पे डिटेल आपको देना पड़ेगा 624 624 भी इंपॉर्टेंट है ये समझा देता हूं 624 क्या है समझ लो आपकी कंपोजीशन स्कीम जो है आपका 1.5 करोड़ या

अक्टूबर नवंबर डिसंबर तो तीसरे क्वार्टर में आपको दोनों कंप्लायसेस करने पड़ेंगे दोनों मतलब क्या आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट 10 दिसंबर तक का देना पड़ेगा 18 जनवरी तक और 10 दिसंबर के बाद जो नॉर्मल टैक्स में थे उसका जीएसटी आर वन थ्री बी या जो भी रिलेवेंट रिटर्न आएंगे फ्यूचर में वो रिलेवेंट जीएसटी के नॉर्मल रिटर्न भी देने पड़ेंगे यानी तीसरे क्वार्टर के दो कंप्लायसेस है आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट कंपोजिशन स्कीम का और आपको मंथली रिटर्न भी देना पड़ेगा एज वेल well एज ईयर ER खत्म होने के बाद जीएसटी आर फोर भी देना पड़ेगा तो यही था बेटा यहां पे देखो फुलफिल द कंप्लायसेज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलर टैक्स पेयर वेयर पर्सन हैजट्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर यह टाइटल है वो क्या कहते देखो अ पर्सन हु शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग रेगुलर टैक्स पेयर टू कंपोजिशन टैक्स पेयर फ्रॉम द बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर देन ही हैज फर्निश ऑल द डिटेल्स अंडर सेक्शन फिफ्टी नाइन रिलेटेड टू इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स ठीक है ये तो अगर पहले वो नॉर्मल स्कीम में था और कंपोजिशन स्कीम में आया तो उसको सब स्टॉक डिटेल्स देना पड़ता है हम देखेंगे लेकिन वो एग्जिट हुआ सिक्सटी टू देखो अगर वो एग्जिट हुआ तो उसको सी एम पी जीरो एट जी एस टी आर फोर तो देना ही पड़ेगा एज वेल एज बाकी भी उसको कंप्लायसेस करने पड़ेंगे ओके okay, यानी बाकी रिटर्न नॉर्मल भी उसको यहाँ देने पड़ेंगे और लास्ट सिक्सटी टू सिक्स दिस रूल इज अपलीकेबल फॉर पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन टू टू थाउजेंड नाइनटीन दिस रूल इज रिलेवेंट फॉर द रीजन एज डिस्क ठीक है सिक्सटी टू सिक्स अभी कोई रिलेवेंट नहीं क्योंकि ये नोटिफिकेशन इज़ विड्रॉन इज विड्रॉ कर लिया है कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एनुअल रिटर्न हाँ कंपोजिशन डीलर को साल का जीएसटी आर फोर में रिटर्न तो देना ही है और एनुअल रिटर्न भी देना है जीएसटी आर नाइन में अभी एनुअल रिटर्न क्या होता है यह मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा तो कंपोजिशन डीलर को दो रिटर्न देना है जीएसटी आर फोर तो उसका टैक्स लाइबिलिटी का रिटर्न होगा और एक पूरे साल का रिटर्न जीएसटी आर नाइन है वो भी देना है वो डिस्कशन हम बाद में देखेंगे तो ये पूरी प्रोसीजर थी रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम नाउ ये कुछ फॉर्म्स वगैरह है यह आपने देख लेना अब नेक्स्ट पेज पे आता हूं हाँ कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस जो आपके साथ डिस्कस करूंगा हु शुड ऑफ फॉर कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम किसने लेना चाहिए सिंपल क्वेश्चन है कंपोजिशन स्कीम उन लोगों ने लेना चाहिए जिनके कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें टैक्स इन्वाइस नहीं चाहिए रिटेल मार्केट में काम कर रहे हैं ओके okay. और आपके कस्टमर आई नहीं लेना चाहते उन्होंने कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए ठीक है आप रीड करोगे तो समझ जाएगा या आप ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे हो आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम अच्छी है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कौन सा देखो रेस्टोरेंट कैटरिंग को नॉर्मल रेट भी पाँच परसेंट है नॉर्मल जीएसटी रेट यानी कोई रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला है और वो कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहता है repeat, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहता है तो उसका नॉर्मल रेट भी नॉर्मल रेट भी पांच परसेंट है नॉर्मल रेट अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो एटलीस्ट वो कस्टमर को पास ऑन कर सकता है आप जीएसटी टैरिफ देखोगे तो जीएसटी टैरिफ नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट इन जीएसटी टैरिफ एंड कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन टेन वन तो नॉर्मल रेट में भी यहां पे जो है समझ लो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सेवेंटी लैक्स उसका सी जीएसटी नॉर्मल रेट भी उसका टू पॉइंट फाइव परसेंट और एस जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ओके सी जीएसटी एस जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट जस्ट मिनट देखो तो टैक्स आएगा सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी ठीक है बट ही कैन पास ही कैन पास बर्डन ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स टू रिसिपियन Recipient. और आईटीसी टीसी जहां तक आईटीसी की बात है तो पांच परसेंट रेट देने की वजह से नो आईटीसी नो आईटीसी अब ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं रेस्टोरेंट कैटरिंग को जीएसटी टैरिफ के हिसाब से रेट पांच परसेंट दिया है पर आईटीसी नहीं दिया है आईटीसी नहीं अगर वो आईटीसी नहीं लेता है तो पांच में वो टैक्स पे कर सकता है और वो नॉर्मल स्कीम से जा रहा होगा तो ये बर्डन कस्टमर को पास ऑन भी कर सकता है कस्टमर को बर्डन पास ऑन भी कर सकता है लेकिन कंपोजिशन लेवी में होगा तो कंपोजिशन लेवी में वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई उतना ही आएगा सप्लाई सी जीएसटी टू पॉइंट फाइव परसेंट रेट है कंपोजिशन का भी और एच जी एस टी भी टू पॉइंट फाइव परसेंट है कंपोजिशन का भी तो मतलब 17 .50, 17 .50, ठीक है तो यहां पे और ये बर्डन वो पास ऑन नहीं कर सकता बर्डन कैन नॉट बी पास ऑन बर्डन कैन नॉट बी पास ऑन और जहां तक आईटीसी की बात है तो नो आईटीसी क्योंकि कंपोजिशन स्कीम है तो फिर क्या सेंस बनता है कंपोजिशन स्कीम का क्योंकि बर्डन भी पास ऑन नहीं कर सकते आईटीसी भी नहीं मिल रहा है टैक्स भी उतना है नॉर्मल स्कीम में भी एटलीस्ट आप बर्डन तो पास ऑन कर सकते हैं इसलिए रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए कोई सेंस ही नहीं है कि आप कंपोजिशन स्कीम में जाओ नॉर्मल इसमें एटलीस्ट आप बर्डन तो पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर को क्योंकि दोनों में भी आईटीसी नहीं है हाँ फायदा क्या है कंपोजिशन स्कीम में ईयरली रिटर्न है सिम क्वार्टरली स्टेटमेंट है तो यहां पे बेनिफिट्स क्या है यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे प्रॉब्लम है मंथली रिटर्न आपको मंथली रिटर्न में जाना पड़ेगा डिटेल रिकॉर्ड्स आपको रिकॉर्ड्स डिटेल में मेंटेन करने पड़ेंगे तो यहां पे एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न जाना आपको देना पड़ेगा सेकंड आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टेटमेंट बड़ा सिंपल रहेगा क्वार्टरली स्टेटमेंट पेमेंट भी आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा क्वार्टरली पेमेंट पेमेंट क्वार्टरली है ठीक है और सिंपल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स बहुत सिंपल रहेगा तो रेस्टोरेंट कैटरिंग को यहाँ पे कंपोजिशन की लेने का बस फायदा यही है ये यह चार फायदे हैं पर नुकसान यह है कि वो बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता तो यह नॉर्मल स्कीम में भी उनको रेट पांच परसेंट ही है वो बर्डन पास ऑन कर सकते बिना आईटीसी के पर फिर कंप्लायसेस बढ़ जाते हैं तो यह केस में आप डिसाइड करें कि रेस्टोरेंट कैटरिंग में करना क्या रेस्टोरेंट कैटरिंग में करना क्या तो यह एक जनरल डिस्कशन था अबाउट कंपोजिशन स्कीम आज का डिस्कशन हम आज यहां एंड करते हैं ठीक है यहां डिस्कशन को एंड करते हैं और यस yes, घर पे रिवाइज करो आई रिपीट घर पे रिवाइज करो और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है हम कल एक रिवीजन का भी लेक्चर लेंगे और फिर टाइम ऑफ सप्लाई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाँ बेटा ये मार्क्स नोट्स अभी दो तीन घंटे बाद यानी शाम को सात आठ बजे तक जो है मैं अपलोड कर दूंगा ये मार्क नोट्स ये मार्क नोट बहुत काम किया आपके लिए तो मैं ये कम्प्लीट आपको अपलोड करके दे दूंगा पहली बात शाम तक मिल जाएगी पर जितना भी मैंने लिखा आई होप आपने साथ साथ में लिखा होगा ठीक है कंपोजिशन स्कीम आप ध्यान से पढ़ना आराम से पढ़ना जो भी डाउट्स और क्वेश्चन है आप ओके okay, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो ठीक है अब इसके बाद के लेक्चर्स टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह मैं दो दो अपलोड करके दे देता हूँ टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई कोई चेंज नहीं बस एक चेंज है वो भी रेट बदला है बाकी कुछ नहीं बदला है तो दोनों भी जो है मैं चैप्टर फटाफट आपको अपलोड करके देता हूं आप अपना पढ़ी पढ़ाई जो है फटाफट फटा स्टार्ट कीजिएगा ठीक है ये एक मेजर चैप्टर था जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे अच्छा रिविजन करना मैं बाद में और रिविजन कवर करूंगा आपकी ठीक है डन चलो हाँ एक बार और मैं कह देता हूं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ये लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे ओपन भी डालूंगा स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको अमेंडमेंट्स देखना है क्योंकि पूरा चैप्टर ही अमेंडेड है तो पूरा चैप्टर ही मैं डालूंगा अभी नहीं नेक्स्ट वीक में यूट्यूब पे मैं ओपन डालूंगा तो कभी आप वापस भूल गए जो मैंने कहा कुछ तो यूट्यूब से स्पीड ज़्यादा करके आप वो कंसेप्ट फिर से एक बार देख पाओगे तो वो आप अगर सर्च करोगे कंपोजिशन अमेंडमेंट्स कंपोजिशन स्कीम तो आपको ये मिल जाएगा यूट्यूब पर लेक्चर्स दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे ठीक है पर आज के आज ही आप पूरा रिविजन करो एक बात और मुझे कहना है आपके पास जो क्वेश्चन एयर है ध्यान से सुनो आपके पास जो क्वेश्चन एयर है आ, वो क्वेश्चन एयर में मे तक के क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है अब वो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस के लिए रेफर करना है तो कर सकते हो क्यों क्योंकि ये जो टेन टू ए की जो स्कीम थी पहले बाय नोटिफिकेशन थी नोटिफिकेशन टू टू थाउजेंड नाइनटीन वो नोटिफिकेशन से निकाल कर इसमें डाल दी टेन टू ए में डाल दी, दी। इसलिए आंसर में बस इतना फर्क आएगा कि पहले बाय नोटिफिकेशन थी और अब टेन टू ए से आएगा उतना फर्क आएगा दूसरा यहाँ पे जो है बेटा प्रैक्टिस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा इंटरेस्ट और डिपॉजिट के कैलकुलेशन में मतलब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लोन उसकी कैलकुलेशन में कई डिफरेंस आ सकता है आपको प्रैक्टिस के लिए करना हो तो करो पर दो तीन क्वेश्चन चेंज हो गए तो वो चेंज क्वेश्चन को चेंज होने के लिए मुझे चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन फिर से बनाना पड़ेगा पर आपको रेफर करना है और उसमें कहाँ चेंज हो सकते हैं अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात ओके उसमें कहाँ चेंज हो सकते हैं आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात जो आप मे का क्वेश्चन रेफर कर रहे हो आगे कहीं ज़्यादा चेंजेस नहीं बस यही चैप्टर है अब आप ये सोच रहे होगे कि नहीं नहीं सर मुझे कम नहीं, चे, आ, नहीं चेक करना है क्वेश्चन है तो बेटा मत करो कन्फ्यूजन होता होगा नहीं कन्फ्यूजन होता है तो रेफर करने में क्या प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और वो क्वेश्चनर में कहाँ चेंज होना चाहिए रिसर्च करो तो मज़ा आएगा मतलब ही मैं समझूंगा कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है ठीक है तो आपकी मर्जी पर मैं तो कहूंगा जरूर करो और यह भी निकालो कि कहां चेंज होना चाहिए और रिकमेंड करो हमें व्हाट्सएप पे कि सर यहां चेंज करना पड़ेगा ठीक है बाकी नवंबर के हिसाब से क्वेश्चन तो बाद में आएगी ठीक है चलो आई होप पूरे एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाई हुए होंगे हाय ना चल यहाँ रुकते हैं आगे के सेशन से आपके कंटिन्यू किए जाएंगे